लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेकिन देने वाले हाथ सिर्फ दो है। निकाल साहब के लिए गरम चाय निकाल। दो गिलास पानी बर्फ का टुकड़ा मार के ये लो सर। मैंने पूरी मांगी थी। मैंने बटाटे वड़े के लिए बोला था। मैंने दही मिसल का आर्डर दिया था और तुमने पूरी रख दी। महाशय जी आप लोग तो मुझ पर इस तरह बरस पड़े जैसे फूड मिनिस्टर ने पंजाब में चावल भेज दिया और मद्रास में गेहूं। एक मिनट, ये क्या है? पूरी। और ये क्या है? बटाटा वड़ा। और वो क्या है? दही मिसल। तो समस्या हो गई हल। ये मिसल को इधर खिसकाओ, पूरी को इधर खिसकाओ और बटाटा वड़ा उधर फेंको। अब खा के ही बताओ। यार सही, एक मिनट मक्खी संभाल के, मक्खी आता मिसल के संभाल के। बोला तेरे को कितने बार बोला ये कॉफी का गिलास पानी के गिलास के बाजू में मत रख। ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि कॉफी कौन सा पानी कौन सा है। ये कॉफी। हाँ बोलो सही। आशा, मीना, कमला, राधा, इधर आओ, सब इधर आओ। देखो इन पर्चियों में जिसके नाम जो काम निकलेगा उसे वही करना होगा। ठीक है, आपकी पहली पर्ची मैं निकालूंगी। लंगड़ी घोड़ी कैसे दौड़ी, दिखा चलकर, दिखा चलकर, दिखा चलकर, दिखा चलकर। राधा अब तेरी बारी है। मेरी प्रेम गीत गाओ। नहीं नहीं बताना। नहीं बताऊंगी। बताना। नहीं 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 बताऊंगी। तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू।
धाने खेले अपने शाम से होली भी। निकाल सांबर भी निकाल इडली भी निकाल। अरे आज कमलम नहीं आई? आई हो ना। ओह हो, आप कमला? हाँ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बात दरअसल ये है कि जिस तरह खाने में नमक पड़ता है उसी तरह 10-20 लड़कियों के अंदर एक लड़की कमला जरूर होती है। क्या हुआ, जबान कट गई? चल गई। पानी, अरे पापा पानी। ये लो। अरे मैं कहती हूँ। ओहो, पहले समोसा खा लो, मिर्च से जब जबान जलेगी तो गंगा जमना दोनों हाजिर कर दूंगा। सुनो जी, रबड़ी लाओ। रबड़ी अभी लाया। निकाल रबड़ी। रबड़ी नहीं लाई, अब रबड़ी की जगह बीड़ी पिलाऊंगा। अरे रबड़ी नहीं लाए? आजकल रसराज होटल की रबड़ी में जरा गड़बड़ी है। कैसे गड़बड़ी? कल दो आदमी बेचारे रबड़ी खाने के लिए होटल में आए, वो भी आधी आधी प्लेट रबड़ी खाई और उनके पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई, पेट में मरोड़ हुई और वो दोनों बेहोश होके वहीं गिर गए। उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, न जाने वो दोनों शायद मर गए हो, उनके बच्चे यतीम हो गए हो। बोला निकाल दो प्लेट रबड़ी सबके लिए। अरे सुनिए, अरे सब रबड़ी बेकार जाएगी। लगता है आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं, आप जरूर खाएंगी रबड़ी। जरूर खाती, लेकिन रबड़ी तुम लाए नहीं। बड़ी चालाक हो। अरे ये आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हैं? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ। कहाँ रहते हो तुम? हिंदुस्तान में, हर शहर मेरा घर है, जहाँ होटल वाले भेजते हैं चला जाता हूँ। बड़ा मजा आता है तुम्हारी बातों में, रियली आई लाइक यू इनसेंस। अब वैसे मैं अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी जानता हूँ, लेकिन जब कभी कोई फड़फड़ बोलता है ना तब जाके समझने में गड़बड़ी हो जाती है। I said I like your innocence. क्या नाम हो सकता है उसका? अरे पुत्र, जब मेरे जैसे बदसूरत इंसान का नाम सुंदर हो सकता है तो उसका नाम बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। याद नहीं उसने अंग्रेजी में क्या कहा था? I like your innocence. नहीं, innocence नहीं, innocence.
आई लाइक योर इनोसेंस, लेकिन सुंदर मिया तुम आदमी हो या पैजामा, उसने जो कहा तो उसका मतलब भी नहीं समझ सका। इनोसेंस का क्या मतलब होगा? इनोसेंस सुंदर, बेटा सुंदर, आप मुझे पसंद है। अरे बुद्धू, कौन बेटा होगा जो अपनी माँ को पसंद नहीं करता। लेकिन आप रहते कहाँ हैं? मैं यही हूँ तेरे पास, मगर तू किस दुनिया में है? आई लाइक योर इनोसेंस। ये क्या अंग्रेजी की तान तोड़ रहा है? आई लाइक योर इनोसेंस। सुंदर, ये क्या हो गया तुझे? ए सुंदर, आई लाइक योर इनोसेंस, आई लाइक योर इनोसेंस। भारत की आजादी के बाद अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन अंग्रेजी भारत में चिपका गए। आई लाइक योर इनोसेंस, आई लाइक। बस बस बस, बहुत पढ़ चुका, अब सो जा। माँ, मेरी माँ कितनी भोली है, मेरा एक सवाल हल कर दो। क्या है? वो मिली। कौन मिली, किससे मिली? मुझसे नहीं, समझो वो दोनों मिले। कहाँ? वहाँ, वहाँ नहीं माँ, यहाँ, यानी इस किताब में। माँ, वो दोनों मिले, खूब मिले। एक ने दूसरे से कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और दूसरा कुछ न बोला। वो बुद्धू होगा तेरी तरह। मेरा भी यही ख्याल। लेकिन माँ पहली मुस्कुराई और हंसती हुई चली गई, और दूसरा बिजली के खंभे की तरह खड़ा देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसकी हंसी का क्या मतलब था। मतलब था फिर मिलेंगे। अगर सवाल का यही हल हुआ तो फिर मैं पास हो गया। माँ, तुम्हें तो किसी कॉलेज की टीचर होना चाहिए था। अच्छा, अब सोच। पढ़ाई खत्म। आई लाइक। चलने का ले पड़े हमारे इतने मूंगफली मारने का। अरे बड़ा इतना छोटा हो गया। अरे सेठ, ये बड़ा इसलिए छोटा हो गया क्योंकि हमारे सेठ का नया होटल बड़ा हो गया। अगर आपको बड़ा बड़ा खाना है तो हमारे नए होटल में जाइए, न्यू रसराज चौपाटी। ये आपकी औलाद है? हाँ, मेरी बीवी। आप क्या पियेंगे? कोकोला है, सोडा है, लेमन है, नारंगी है, फंटा। कुछ नहीं पियेंगे। अच्छा, कुछ भी लो। अच्छा, समझ गया। बोलो देवी, खाने के लिए इतनी है कि पीने के लिए? ए, बात से मैं पूछूं? ये लो। बोलिए बेटा, खाने को क्या चाहिए? अरे, तुम? आप? मैं समझे कोई और लड़की है। बिना देखे ही समझ जाते हो कि लड़की आई है? जी हाँ, ये होटल में बैठे हुए मजनू लोग हैं ना, इनकी आंखों में देखकर सब पता लग जाता है कि कौन आया। बॉय, बोलो सेठ, क्या तकलीफ है? मैंने तुझे लड़कियों के साथ बात करने के लिए बोला था या कुछ लाने के लिए कहा था? देखा आपने, ये मजनू यहाँ तक भर कर खाया हुआ, आपको देखकर और भूख लगी। देखिए ना देवी जी, कितना बदतमीज है ये होटल बॉय, हमेशा गाहक से झगड़ता करता है। अरे मुंडी इधर, देवी से क्या बात करते हो, डायरेक्ट देवता से बात करो। अरे तुझसे क्या बात करूं, बिल्ला। कौन सा बिल चाहिए, पैसे का बिल चाहिए, सांप का? ए चश्मेश, अरे लड़कियों को देख देख कर तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, इसी तरह देखते रहोगे तो अंधे हो जाओगे। क्या कहा इसने? अंधा। अंधा? हाँ। मैं अंधा? हाँ। अभी मालिक से कह के तेरा पत्ता कटवाता हूँ। चल चल हवाले ले चल। देखो तुम्हारा काम भी कितना मुश्किल है, हर एक को खुश रखना पड़ता है। चारों तरफ से जबान की गोलियां चलती हैं। बॉय इधर आ, ये ला, वो ला, चाय गरम क्यों है, कॉफी ठंडी क्यों है? घर में बीवी की गालियां सुनकर आते हैं, होटल में आके बेचारे बॉय को गालियां देते हैं। अब तो अपने को भी सुनने और सहने की आदत पड़ गई है। आप सुनाएंगे, आप क्या कहेंगे? बस तुम बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे। मैं बोलूंगा मेरे मुंह से, आप खाएंगी आपके मुंह से, आप खाते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा। बोलिए क्या लाऊं? अच्छा यूं करो, तीन प्लेट समोसे लाना। समोसे मत खाओ, ये बड़ी घटिया होटल है, यहाँ हर चीज बासी मिलती है। आप कोको कोला या सोला पी लो। जानते हो ये कौन है? उस रोज इनकी जुबान जली थी और जलन मेरे दिल। और खाने के लिए क्या क्या है? रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़ी, श्रीखंड, जलेबी, पेड़े, बालूशाही, लड्डू, मसाले डोसा, सादा डोसा, कांदा भजिया, बटाटा भजिया, सांभर, इडली, भुना इडली। लेकिन तुमने क्या क्या बताया, अपनी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। वो तो खाएंगी तब भी समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या खाया। राधा, अब कुछ नहीं खाएंगे, मुझे देर हो रही है। क्या नाम बताया आपका? राधा। निकाल तीन सादा। क्या कहा? तीन सादा डोसा अभी लेकर आता हूँ।
वाला है ना मजे का आदमी, इससे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब इसे ये मालूम होगा कि तुम इस होटल के मालिक की बेटी हो। इसलिए तो मैंने तुम्हें रोक दिया था। ये क्या डोसा साबुत क्यों नहीं? हमारा डोसा बनाने वाला बहुत होशियार आदमी है, तवे पे डोसा पलटाने से पहले टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि खाने वाले को टुकड़े करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा लो खाओ। आप लोग खाओ, तब तक मैं भी अपना मुंह चलाता हूँ। लगता है किसी इम्तिहान की तैयारी हो रही है। हाँ, आठवीं क्लास प्राइवेटली। लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी कैन से हाउ लॉन्ग एगो, देयर वाज अ किंग बाय नेम एंड्रोकल, ANDROCLES, एंड्रोकल। लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी कैन से हाउ लॉन्ग। सुंदर सज्जी, आज होटल में भीड़ भड़क ही नहीं है। होगा कैसे, तुम ग्राहकों से बुरा सलूक करते हो, मुझे शिकायत मिली है तुम्हारी। ग्राहक की शिकायत तो मालिक सुन लेता है, लेकिन नौकर की शिकायत कौन सुने? सुंदर, तुम सबसे अच्छा सलूक किया करो, नहीं तो छुट्टी। बेटी, होटल में खाना अच्छा ना? अच्छा खैर खाओ और कॉलेज जाओ। सुंदर जी साहब, इसको बिल मत देना। क्यों, आप पैसे नहीं लेंगे? इनके पैसे मैं दे दूंगा। इसके पैसे तू देगा? हाँ। अरे बेवकूफ, यही तो तुझे तनख्वाह देती है, मेरी बेटी। सिद्धि, आपने पहले कभी नहीं बताया कि आप बेटे के बाप हैं, और आपने भी नहीं बताया कि आप बाप की बेटी हैं। मेरा मतलब है होटल मालिक की बेटी है। चलो राधा चले। आप जा रही हैं? हाँ। अच्छा ना, ये मैंने क्या किया? गलती से होटल की बुराई मालिक की बेटी के सामने कर दी। मैं क्या करूं, सच बोलने का आदी हूं ना। अरे अपनी पर्स और किताबें भूल गई। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना ही भूल गई। ये आदमी तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तुम्हारे जैसा नहीं, तुम ही हो। उस दिन पिकनिक पर मेरी सहेली ने खींचा था, कितने अच्छे लगते हो तुम। मैं इसे रख लूं? हाँ हाँ, शौक से। मेरे पास दूसरी कॉपी है। सुनो जी, तुम्हारी शादी हो गई? जी। तुम्हारी शादी हो गई? वो तो कई बार कह चुके हैं कि शादी कर लो। वो कौन? मेरी माँ। लेकिन आज तक किसी भी लड़की ने नहीं पूछा, आप ही पहली बार पूछ रही हैं। ओह, टू बी फ्रैंक विद यू, आई लाइक योर इनोसेंस। टू बी सचमुच बड़े दिलचस्प आदमी हो। मैं दिलचस्प हूं। नहीं, मैं तो बदसूरत हूं। जब भी इस चेहरे को देखता हूं ऐसे ही दिखता, और ये दांत मुझे धोखा दे गए। जी में आता है दुनिया भर के दांत तोड़ के रख दो। अरे अपनी भद्दी सूरत से शीशा क्यों बदला करता है? चल। सुनिए, क्या आप अपनी बदसूरती से परेशान हैं? क्या आपको अपना चेहरा खराब लगता है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी किंग स्नो पाउडर और क्रीम के रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा चमकदार और आकर्षक हो जाएगा। देर न कीजिए, आज ही खरीदिए। अरे ओ मौसी, दातारा फिर आ गया तू। मौसी तू अच्छी है ना? अभी तो पूछ कर गया था।
मैं पूछ के गया था। अरे हाँ मौसी, मैं एक बात पूछना तो भूल ही गया। ये अपना सुंदर है ना, ये कहीं कामकाज करता है या दिन रात फिल्म कंपनियों के दरवाजों को सलाम करता फिरता है? इस दाताराम को तो ये भी फिक्र है कि किसी तरह सुंदर सुधर जाए, सीधे रास्ते लग जाए। मौसी आज बड़ी गर्मी है, मौसी तेरे को गर्मी नहीं लग रही? बस 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 मैं समझ गई, मगर लस्सी खत्म हो गई। लस्सी खत्म हो गई मगर मौसी बाजार में तो मिलती है, समझ गए ना मौसी, इतनी अच्छी है, लाखों में एक है। तू वैसे थोड़े ही तलेगा। हाँ मौसी, सुंदर से कहना दाता आया था। अच्छा अच्छा कह दूंगी, अब तू जा। अच्छा मौसी। अरे राम कैसे तो अच्छा हुआ तू आ गया, वरना दाता फिर आता। ला मेरा टिक्स, वरना मौसी से कह दूंगा तू क्या क्या करता है। नहीं नहीं दाता, भगवान के लिए माँ से कुछ मत कहना, नहीं तो बेचारी दुखी हो जाएगी। मैं तेरा टिक्स कल दे दूंगा, तू अभी जा। अबे इस थैले में क्या है? इस थैले में मैले कपड़े। थैले में मैले कपड़े? दाता को बोला था तू जाना है। माँ गुड इवनिंग। सुंदर ये क्या है? कुछ नहीं माँ, सुंदर बनने के साधन। मौसी ये सुंदरता के साधन नहीं, पैसे फूकने के साधन है। सुंदर तू कुछ भी लगा ले पर तेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा। दाता मौसी ये खामखा पैसे उड़ाता है। दाता ये कमाता है, कुछ भी करे। तू जा जाकर लस्सी पी ले जा। मेरा क्या, मैं तो जाता। रहने, हाथ मत लगा। माँ क्या तुम चाहती हो कि मैं बदसूरत ही बना रहूं? अरे बुद्धू कौन कहता है तू बदसूरत है? सुना नहीं वो दादा मेरी सुंदरता के गीत गाते हुए गया? उससे बकने दे। वही नहीं माँ, सब लोग यही बोलते हैं। सुंदर बेटे मुझसे पूछ, तू कितना सुंदर है। मेरा राजा बेटा है। मैं सुंदर हूँ? मैं राजा बेटा हूँ? मैं दिलचस्प हूँ? हाँ बेटे हाँ। माँ मेरे को भूख लगी, खाना खिलाना। है बेटे, मैं अभी ताजा खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, मैं बासी रोटी खाऊंगा। बासी रोटी तो मैं खाऊंगी बेटे। नहीं माँ, बासी रोटी मैं खाऊंगा। अमर बैठो, अपने हाथ से हमको खिलाओ। अब तक बच्चा ही रहा था। अरे बाप रे, ये क्या किया मैडम, मेरा जवान मुर्गे को मार डाला तुमने। माफी चाहती हूँ, अचानक गाड़ी के नीचे आ गया। अरे ये मर गया तो क्या हुआ, दूसरा खरीद ले, मैडम पैसे दे देगी। ये 20 रुपए हैं। 20 रुपए? अरे मैडम क्या समझ रखा है आपने मेरे मुर्गे को, ये लड़ाई लड़ने वाला मुर्गा है, लड़ाई लड़ने वाला। लड़ाई के मैदान में सैकड़ों रुपए कमाए इस मुर्गे ने मेरे लिए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। 20 रुपए पर्स खाली है तो ये जेवर तो है मैडम। मामला क्या है? अरे लापरवाह मेम साहब ने मेरे मुर्गे का खून कर दिया। हमें 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? एक मुर्गे की कीमत 200 रुपए? हाँ। अच्छा इनको रास्ते में अकेले देखकर परेशान कर रहे हो? ए भाई तू कौन होता बीच में बोलने वाला, भाग जा यहाँ से। अगर नहीं जाऊं तो Yeah!
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुंडों से मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अरे खून, मामूली चोट है, लेकिन आपको ऐसी जगह के लिए नहीं आना चाहिए। यहाँ अक्सर गुंडे फिरा करते हैं। और अपनी जान पर खेलने वाले आप जैसे फरिश्ते भी तो आ जाते हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। आइए बहन जी। नमस्ते। सेठ साहब ने फोन किया था, ये लीजिए 1000 है। सुंदर दिखाई नहीं देता जी, मालिक ने उसे बड़े होटल में भेज दिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। मेहता साहब, तुम्हारी पिक्चर कब शुरू हो रही है? सब तैयारी हो गई है, बहुत जल्दी तुम्हें मुहूर्त की खबर दूंगा। ए मैम, तुम्हारा होटल में ओनली तंदूरी चिकन है, दूसरे तंदूरी कुछ नहीं। दूसरे तंदूरी में नेक्स्ट वीक से हम लोग तंदूरी घोड़ा बनाने वाले हैं। सर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा मेहता साहब, फिर मिलेंगे। ओके भाई, थैंक यू। हेलो, क्या कहा? कमरा नंबर 20? हाँ जी, अभी भेज देता हूँ। सुंदर जी साहब, तुम्हें कमरा नंबर 20 में बुलाया है। अच्छा साहब। कम इन। यस सर। सुंदर, अमर, सुंदर, सुंदर मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, सुंदर, सुंदर, कितनी मुद्दत के बाद मिला और तुम मुझसे बचना चाहता था? नहीं नहीं अमर, तुम्हें देखते ही गले से लग कर मिलना चाहता था, लेकिन तुम किसी बड़े आदमी के साथ बैठे थे, वो क्या सोचता अमर का दोस्त एक वेटर, एक मामूली होटल बॉय। बड़ा आदमी वो होगा, मैं तो तेरा दोस्त हूं। दोस्ती की गहराई को नहीं जानता, दोस्त के दिल को नहीं पहचानता। यार पहचान लिया, मुझे माफ कर दे अमर। यार अमर, ऐसा लगता है कि तू किसी अफसर का दफ्तर है। अब मेरा मतलब दफ्तर का अफसर। हाँ सुंदर, मैं विल्सन कंपनी में बॉम्बे ब्रांच का मैनेजर। मैनेजर? हाँ।
यानी खाली दस्तखत करने का काम। तनख्वाह कितनी? 2000। बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे चपरासी को मुझसे ज्यादा तनख्वाह मिलती होगी। मुझे 50 रुपए मिलता है। ठीक है ठीक है, बकवास बंद कर, उठ मेरे पास बैठ और अपने उसी प्यार की भाषा में बात कर। अमर यार, तूने खूब मैदान मारा। अगर तू भी दिल लगा कर पढ़ता ना सुंदर, तो न जाने आज क्या बन जाता। पढ़ता कैसे, चौथी क्लास तक तो 16 स्कूल बदली किए मैंने। तू तो जानता है यार, मुझे पढ़ाई से ज्यादा नाटक में एक्टिंग करने का कितना शौक था। इसी शौक ने और 10-20 लड़कों की तालियों ने मेरी तरक्की का ताला बंद कर दिया। उनकी तारीफों ने मेरा भेजा खराब कर दिया। अरे सुंदर, क्या एक्टिंग करता है तू, क्या झटके मारता है तू। अबे तेरे झटके देखकर देवानंद दलीप कुमार दोनों झटका खा जाएंगे। इसी झटके ने मुझे बॉम्बे पहुंचा दिया, फिर बॉम्बे टॉकीज से लेकर ज्योति स्टूडियो तक के चक्कर मारे। 3 साल तक नाज बिल्डिंग के नीचे बैठकर भजिया पाव खाता रहा मैं, अब तक उधारी बाकी। नतीजा ये हुआ, चप्पल घस गई, किस्मत फट गई, बस अपने खजाने में 10 नए पैसे रह गए थे बाबू। दस और 10-20। ओह माफ कीजिए। कुछ नहीं, मेरे पास 10 थे, पहले 10 मिले 20 हुए और ये 10 पूरे 30 हुए। क्या चाहिए भाई? हाँ भाई, ये क्या है? ये पिस्ता आइसक्रीम। ये बादाम का हलवा। देखने को भी जी नहीं चाहता। ये नहीं चाहिए, तुम मेरे वास्ते एक बड़ा लाओ। बड़ा? बड़ा नहीं तो क्या छोटा। अरे एक दही बड़ा लाओ और एक इडली लाओ। और सुनो, दो प्लेट सांभर लाओ। दो प्लेट? इतने जोर से क्यों बोल रहा है कि अपने घर से सांभर लाएगा? अरे सब होटलों में दाल फ्री मिलती है। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? पैसे निकालो जी। पैसे नहीं तो खाने क्यों आए? जी जी, मैं समझा था मेरे पास पैसे होंगे सेठ जी। चमन, इसे अंदर ले जाओ, 30 पैसे वसूल कर। ये अंदर लेके जाके पैसे कैसे वसूल करेगा? 60 बर्तन मानने पड़ेंगे। 30 पैसे के लिए 60 बर्तन? हाँ। मैं बोलता हूँ होटल में घुसने से पहले जेब टटोल लेना चाहिए। चले आते हैं बगैर पैसे खाने। मेरा कितना पैसा हुआ? 30 पैसे। और कुछ ना? मेरे को बर्तन नहीं साफ करने के। सर जी, मेरी जेब धोखा दे गई। जेब धोखा दे गई? आप पैसे डालकर देख लीजिए, ऐन वक्त पर कैसा खतरनाक धोखा दिया है। फट गई। मुझे धोखा देना चाहते हो? सेठ जी, मैं ही जिंदगी में धोखा खा रहा हूँ। साफ करने की जगह कहाँ है? क्या मतलब? मुझे भी अंदर भेज दीजिए, मैं 30 पैसे की जगह 60 बर्तन साफ कर दूंगा। बहुत गरीब मालूम होती हो। सेठ जी, अगर मैं अमीर होता ना तो ये फटी जेब फैशन बन जाती है।
लोग अपनी जेबें फाड़ लेते मेरी जेब देखकर। नौकरी करोगे? अंधा क्या मांगे, आंखें जरूर करूंगा सेठ जी। होटल बॉय के काम का तजुर्बा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है सेठ जी। किराक पूछेगा ये चीज कब बनी, मैं बोलूंगा अभी अभी, बासी को ताजी बताऊंगा। होटल के धंधे में इतना झूठ बोलना काफी है ना सेठ जी। मैनेजर, इस लड़के का नाम लिख लो। मैनेजर साहब, मेरी सूरत पर मत जाना, मेरा नाम सुंदर है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। सुंदर, फिर भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अरे यार, मैंने तो आशा निराशा दोनों को तलाक दे दिया है, अब हम दोनों बहुत खुश हैं। दोनों? हाँ, मैं और मेरी माँ। माँ? माँ भी तेरे साथ है? चल मैं भी चलता हूँ माँ से मिलने। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, क्यों, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। ओहो, अच्छा तेरा घर का पता क्या है? चिंच पोकली पुल के पास, काका की बाड़ी में, कबाड़ी की दुकान के पिछाड़ी। इस अनाड़ी सुंदर को गली का बच्चा बच्चा जानता है। अरे सुंदर, तू बिल्कुल नहीं बदला। मैं जाता हूँ ड्यूटी पे। सलाम सेठ। माँ जी। आई। कौन? अमर। हाँ माँ जी। जीते रहो बेटी, जीते रहो। आओ आओ ना। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है माँ जी। मैंने आपको किस हालत में देखा था और आज किस हालत में देख रहा हूँ। ये सब भाग की बात है बेटे। इत्तेफाक से मुझे आज सुंदर मिल गया, उसने मुझे सब कुछ बताया। माँ जी, ये आप कैसे भूल गए कि आपका एक वो बेटा भी है जिसने जन्मदिन वाली माँ की सूरत को आपकी सूरत में देखा है, जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया। गुजरी बातों को भूलना ही अच्छा है बेटे। माँ जी, मैं कल ही एक मकान का इंतजाम करूंगा, आप और सुंदर अब मेरे साथ रहा करेंगे। अमर बेटे, तू तो सुंदर का स्वभाव जानता है, वो भी अपने पिता की तरह स्वाभिमानी है, भूखा रह जाएगा लेकिन भाई के सामने भी हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन अब आपको इस बेटे के पास रहना पड़ेगा। तू नहीं जानता बेटे, माँ का स्वभाव है, वो अपने गरीब और दुखी बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ती। समझ गया, आप भी तो स्वाभिमानी बेटे की माँ है, मेरे साथ क्यों चलोगी? अमर, मैं तेरे इस मान से तेरे प्यार को महान समझती हूँ बेटे। महान तो आप है। आज रसराज होटल में अचानक सुंदर को देख लिया। हाँ, वो वही काम करता है। उसे होटल बॉय की पोशाक पहने देखकर दिल बैठ गया मेरा। होटल बॉय? हाँ। होटल बॉय के काम पर है वो? हाँ माँ जी। लेकिन लेकिन उसने तुमसे कहा था मैं वहां घुमाशता हूँ। आप दुखी ना हो माँ जी, मैं उसे संभालूंगा। ए, अमर, इंग्लिश जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ, अमर को देखा, विलायत का पानी पी के कैसा गोरा गोरा दूध के पेले का जैसा हो गया है। तू ऐसा क्या देख रहा है यार? माँ, जब मैंने अमर को बोला ना कि माँ भी यही है, तो घोड़े का जैसा कबड़े कबड़े भाग कर सीधा यहाँ चला आया। इसको हमसे कितना प्यार है ना, क्या फर्स्ट क्लास सूट है, हीरो के जैसा लगता है, हीरो के। माँ, ये विलायत का सूट है। माँ, तुम तो घूर घूर के क्यों देख रही हो मेरे को? मैं बाजार गया था, भिंडी लाया हूँ, भिंडी, बैंगन है, हरा मसाला है, उधर अंदर रख दो ना। अमर, सुंदर सिंह, पार्टियां देख इधर। अमर, मैं तुझसे खास बात कहना भूल गया था, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे भागा चला आया। मैंने माँ से झूठ कहा कि मैं होटल में घुमाशता हूँ, तू माँ से ये ना कह देना कि मैं होटल में बॉय हूँ, नहीं तो मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। ये क्या बात की तरह भाग रहा है? ओ माँ, माँ तुम जानती नहीं हो, माँ दफ्तर में काम करते करते हाथ पर दुखने लगते हैं, बहुत सारा काम होता है दफ्तर में। दूसरे दफ्तरों में तो एक आदमी के लिए एक टेबल होता है, और तुम जानती हो तुम्हारे बेटे के लिए कितनी टेबल और कितनी कुर्सियां हैं, लोग कुर्सी पर चिपके हुए बैठे रहते हैं, और मैं मजे के साथ इधर से उधर घूमते रहता हूँ, कभी इस टेबल पे, कभी उस टेबल पे, कभी इस टेबल पे, कभी उस टेबल पे। वाह बेटी, शाबाश। माँ जी, आप हंस रही हैं? अम्मा, बेटे की शान पर माँ नहीं हंसेगी तो और कौन हंसेगा? रहने दे अपनी शान। और माँ, जब टेबल पर काम का ढेर लग जाता है ना, तो मैं बोलता हूँ हटाओ यहाँ से टेबल, क्लीन। भाग मेरे, अमर आया है, उसका ख्याल। आपको सुंदर, माँ जी से कहना मैं फिर आऊंगा। नहीं, अमर, अमर, माँ, माँ,
खाना निकाल माँ, बहुत भूख लगी। अरे वाह, क्या थाली आए। माँ माँ, तुम ऐसा गुमसुम क्यों बैठी हो? देखे अपने अमर के ठाट, ऊपर से नीचे सांप का बाप बना हुआ। तुझे कहाँ मिला अमर? होटल रसराज। तू वहाँ क्यों गया था? बीच की छुट्टी में चाय पीने। दफ्तर से? हाँ। कौन से दफ्तर में काम करता है? होटल के दफ्तर में, बहुत सारे खाते हैं। तू कौन से खाते में? खाने के। तू वहाँ क्या काम करता है? तुम तो वकील की तरह पूछताछ कर रही हो, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि बेटा अपनी माँ को धोखे में रखे, उसे झूठ बोले। मैंने कौन सा झूठ बोला? तूने झूठ नहीं बोला, तू होटल में गुमास्ता है या बोल है? बोल, बोलता क्यों नहीं? हाँ माँ, मैं होटल में बॉय हूँ, बस यही एक झूठ बोला। यही एक झूठ बोला? तुझे तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? 50 रुपए। और तू तो मुझे 100 रुपए ला के देता है, दूसरे 50 रुपए से कहाँ से आते हैं? माँ, तुम क्या समझती हो, मैं चोरी करता हूँ? झूठा आदमी चोरी भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता। माँ, चोरी नहीं माँ, मैं दोपहर की छुट्टी में बच्चों को स्कूल में खाना पहुंचाने जाता हूँ। लेकिन ये सब कुछ तूने मुझसे क्यों छुपाया? बेटे, काम कोई बुरा नहीं होता। इसलिए माँ कि तुम्हें जानकर दुख होगा। दुख तो मुझे अब हुआ है कि मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला। तो माँ मेरे को माफ कर दो माँ, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, मैं मुर्गा बनता हूँ। तू कुछ भी कर, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। कौन कहता है तुझसे खाना खाने के लिए? तो बोलता कौन है कि बोलो खाना खाने के लिए? तुम्हारा दिल न टूटा ये घर चले, इसलिए मैंने इतना तो झूठ बोला, तो तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। और तुमने जो झूठ बोला उसका क्या? क्या मैंने झूठ बोला है? तुमने हमेशा झूठ बोला। मैंने तुझसे कब झूठ बोला है? तुम हमेशा नहीं कहती हो कि मेरा सुंदर कितना सुंदर है, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, चांद के जैसा है? ये झूठ नहीं है? नहीं रे पगले, नहीं, ये झूठ नहीं है बेटे, ये सच है। माँ के लिए अपनी संतान भगवान से भी सुंदर होती है बेटे। अब बेटे के लिए माँ से बढ़कर भगवान भी नहीं होता। मैंने जो कुछ भी किया अपने भगवान के लिए किया है, मुझे माफ कर दे माँ, माफ कर दे। माँ, मैंने मजाक में बोला था कि मैं भूखा मर जाऊंगा, भूख लगी है। चल बेटे, चल। राधा, ये फोटो देखो बेटी, लड़का फॉरेन रिटर्न है, अच्छी पोस्ट पे, पसंद है। शादी की बात सुनकर आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भी गुड़िया बन जाती हैं। कल 4 बजे तुम्हें देखने आ रहा है। हाँ। शायद इसी सुनहरे दिन के लिए आप उस दिन मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और मेरे दिल को प्यार से भर दिया। Thank you.
दिखे दुनिया को जाने चले किस ओर साथ चले हम यूं जैसे साथ पतंग के डोर छोड़ के पीछे दुनिया को जाने चले किस ओर दो मस्ताने दो दीवाने एक मैं हूँ एक अब चाहे ये सपना हो मैंने तो सच माना आ तू ही मेरा साधन है मैंने तुझे पहचाना अब चाहे ये सपना हो मैंने तो सच माना पतवाती जीवन साथी एक मैं हूँ एक तू कुरकु 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 दो मस्ताने दो दीवाने एक मैं हूँ एक तू कुरकु 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 कैसे बीतेगा कटती नहीं किरण जब से तुम संग हाथ लड़ी नींद नहीं नहीं चैन जीवन कैसे बीतेगा कटती नहीं किरण दो मस्ताने दो दीवाने एक मैं हूँ एक तू कुरकु 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 इस पोटली में क्या है आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था थोड़ा चूरमा लाया हूं अच्छा ला वाह क्या स्वाद है कितने दिन के बाद खाया माँ के हाथ का बना चूरमा सुंदर शुभ काम के लिए बाहर जाते वक्त मुंह मीठा करा है तूने किस शुभ काम के लिए बाहर जा रहा तेरे लिए भाभी पसंद करने जा रहा हूँ अरे वाह लेकिन मैं तो तेरे लिए भाभी पसंद कर चुका हूँ सच कौन है वो लड़की उसकी आंखें अब नहीं उसके होंठ अमर वो खूबसूरत है बहुत ही खूबसूरत है अरे
मेरी सूरत क्या देख रहे हैं तू? अमर, तू कितना अच्छा लगता है। और मैं, अमर, क्या कोई लड़की मुझसे प्यार कर सकती? लेकिन वो तुझसे प्यार करती है ना, जिसे तूने पसंद किया है। ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं अपनी सूरत देखता हूँ तो मुझे शक हो जाता है। वो बहुत ही सुंदर है और मैं सिर्फ नाम का सुंदर। मर्द के लिए सुंदर होना जरूरी नहीं। अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनका नाम सुनहरी अक्षर में लिखा हुआ है। कोई किसी गुण से पूजा जाता है, कोई किसी गुण से प्यारा बन जाता है। लेकिन मैं एक मामूली बटलर हूँ, इशारों पर हाजिर होना पड़ता। अनारकली दासी थी, लेकिन सलीम ने उससे मोहब्बत की थी। तेरी बातों से मेरी सांसों में कुछ गर्मी सी आ रही है। सुंदर, कोई कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को बहुत ही छोटा और गिरा हुआ कभी नहीं समझना चाहिए। मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। प्रेम अंधा होता है, वो अमीर गरीब छोटे बड़े के भेदभाव को नहीं देखता। इसीलिए उसने मुझसे कहा, आई लाइक यू। अच्छा? हाँ, पिकनिक पर मिली थी और एक दिन अपनी सहेलियों के साथ होटल में आई थी और जाते वक्त अपना बैग छोड़कर चली गई और फिर अकेली वापस आई और आकर मुझसे कहा, तुम्हारी शादी हो गई। बस, तो बात पक्की। वो तुझसे प्यार करती है, तुझे शादी करना चाहती है। अमर, सच अमर, जो अभी तूने कहा वो मुझे पेपर में लिख कर दे। अरे बुद्धू, तुझे उसे दिल खोल कर बात करनी चाहिए थी। जब से उसने मुझसे बात की, मैं अपने आप को भूल गया। सच तो ये है कि हर सांस उसी के प्यार की आस पर चल रही है। डर लगता है अगर उसने मना कर दिया तो दिल बैठ जाएगा। अमर, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं लिख कर मोहर लगा दूंगा, वो तुझे मरने नहीं देगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा ये तो बता, वो लड़की है कौन? आ? है कौन? अरे बताना। नहीं। अरे बताना यार। वो लड़की है रसराज होटल के मालिक सेठ राम स्वरूप की बेटी राधा। राधा बीए। तू किस सोच में पड़ गया? मैं सोच रहा हूँ उससे शादी करने के लिए तुझे अपना दर्जा बढ़ाना होगा। दर्जा बढ़ाना होगा? यानी आठवीं क्लास से ज्यादा पढ़ना होगा, MBBS पास करना होगा? अमर, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा। मैं उस दर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे अपनी हैसियत बढ़ानी होगी। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। अमर, तू लड़की देखने जा रहा था ना, जा जल्दी जा। नहीं, अब बहुत देर हो गई। अमर, तेरे न जाने से वो बेचारी लड़की निराश नहीं होगी? नहीं, मैं जानता हूं वो निराश नहीं होगी। अमर, जिस दिन भी तुम उस लड़की को देखने जाओ मुझे साथ ले चलना। जरूर, तू आगे मैं पीछे। अरे हाँ सुंदर, कल मैं तुझे एक जगह ले चलूंगा, तू जरा अच्छे कपड़े पहन के आना। क्या बात है सुंदर, अगर कपड़े नहीं है तो मुझसे पैसे ले ले। नहीं नहीं, वो तो मैं इंतजाम कर लूंगा, लेकिन कल की छुट्टी का क्या, वो मैनेजर का बच्चा। अच्छा, मैं सीधा सेठ जी के पास जाता हूँ। राधा, और कब तक इंतजार करें? राधा, वो अब नहीं आएंगे, हम चले। आओ चले। वाह वाह वाह, इस कमीज का हाथ ही नहीं है। मिस्टर चुवे ने अपना काम अच्छी तरह से किया। ये भगवान, अब एक ही बच गई है। इज्जत रख लेना, इज्जत रख लेना, रख लेना, रख लेना, दया करो भगवान। अरे वाह भगवान, क्या दया की है, ये कमीज तो बहुत ही अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन गंदी है, बास मारती है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या। पूछा पूछा, अरे तुम्हारे घर के कपड़े तो बगले के पंख के जैसे उजले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं सुंदर छाप साबुन से कपड़े धोती हूँ। सुंदर छाप साबुन को इस्तेमाल करने का तरीका,
साबुन के हाथ से पकड़िए, पीछे से उछालिए, आगे से पकड़िए, उसके बाद पानी में डालिए और घसिए। घसने के बाद पानी से निकालो, अगर मैल ज्यादा है तो पत्थर पर घसो। पत्थर पे घसने के बाद इसे निचोड़ो, निचोड़ने के बाद कपड़े को अच्छी तरह से झटको। अब देखिए सुंदर छाप साबुन का कमाल। अमर ने कहा कि अच्छी सी कमीज पहन के आना, कहां से लाऊं? 10-15 रुपए का सवाल, दाता दे दे दाता। अरे दाता क्या देगा, वो तो लस्सी पीने के लिए चवन्नी मुझसे ले जाता है, मैं देती हूँ। तुझे 15 रुपए चाहिए ना? वाह, माँ के रूप में खुद भगवान आ गए। ले, इम्तिहान की फीस भरनी है ना? हाँ माँ, मुकद्दर के इम्तिहान की। जल्दी से फीस के पैसे भरा। हेलो अमर, हेलो। अरे ये कौन है, बाहर निकलो। मैं इन्हें साथ लाया, ये वेटर है ना? हाँ, और मेरे बचपन का दोस्त है, इन्हीं के बारे में मैंने तुमसे कहा था। अच्छा, यही वो तुम्हारा दोस्त जो एक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है? हाँ। सुंदर, ये है मेरे दोस्त मिस्टर चंद्रकांत मेहता, फिल्म प्रोड्यूसर। आओ अमर, आओ बैठ। हाँ सुंदर। अमर, आप हैं मिस्टर राज नारायण, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो मिस्टर वेटर जी, मिस्टर मेहता, इनका नाम सुंदर है। आई एम सॉरी मिस्टर सुंदर, दो चार जौहर दिखाइए। चल दिखा सुंदर। जौहर नंबर वन। GMG प्रोडक्शन प्रेजेंट, राज कपूर। मुझे देखिए मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखाई देता है। शम्मी कपूर याहू, तरम 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 याहू, तरम तरम तरम। अब मैं आप लोगों को एक गाना सुनाता हूँ। हाँ, वो गाना मोहम्मद रफी ने गाया है। बड़ा ही CID है वो, नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे है चाबी का ताला। अब इस गाने को अलग अलग प्लेबैक सिंगर गाते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, पोएट, जिन्होंने हमेशा भजन गाया है, वो कैसे गाते सुनो। बड़ा ही सियाई है वो, नीली छतरी वाला, हे राम नीली छतरी वाला। अब इस गाने को KCD गाते हैं, जो बेचारे अंधे थे। बड़ा ECID है वो, नीली छतरी वाला, हर ताला की चाबी रखे, हर चाबी का ताला। जाओ जाओ ओ मेरे कहिए साहब, कैसा लगा आपको काम? पसंद आया? काम से ज्यादा तुम्हारे दांत पसंद आए। किरवान, दूसरों की नकल उतारना, मिमिक्री वगैरह का नाम एक्टिंग नहीं। क्या मतलब है आपका? मुझे एक्टिंग नहीं आती। बैठो बैठो। तुम्हारी ये एक्टिंग नौ टंकी के लिए अच्छी है, मगर फिल्मों में नहीं चलेगी। अरे मियां, एक्टिंग तो बात की चीज है, पहले अपनी शक्ल तो देखिए आईने में, पर्दे पर आपके दांत देखकर बच्चे डर जाएंगे। जब तुमने मुझे एक्टिंग करके दिखाने को कहा था, उस वक्त तुमको मेरे ये भद्दे दांत नजर नहीं आए। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर नहीं डरते? मेरी शक्ल का मजाक उड़ाने से पहले अपनी शक्ल तो देखो आईने में, ऐसे लगती है जैसे चूसा हुआ आम। सुंदर, इनका अपमान मत कर। इस सूखे हुए पापड़ ने मेरा अपमान क्यों किया पहले? तुम जानते हो अमर, मैं अपनी शक्ल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े गोलफाम बने फिरते हैं। इस भूतिया शक्ल को मेरे सामने से दूर हटाओ। कहा मैं भूत हूँ? तुम भूत हो, तुम्हारा बाप भूत, तुम्हारा खानदान भूत। सुंदर, अमर, जानता तूने ये क्या किया? तूने मेरे मुंह पर चाटा मारा, अपने जिगरी दोस्त के मुंह पर थप्पड़ मारा रे। तेरा तेरा मुंह इसी काबिल है। ये तुम कह रहे हो मेरे दोस्त? सलामत रहो, सलामत रहो। सुना आप लोगों ने, आप लोगों ने सुना, मेरे बचपन का जिगरी दोस्त ये कहता है कि ये मुंह थप्पड़ खाने के लायक है। तो फिर आप लोग खामोश क्यों खड़े हैं? शुरू हो जाइए बारी बारी,
मारिए 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 मारिए, इतना मारिए कि इस मजबूत सूरत से भयानक दांत टूट कर सभी पर गिर पड़े। नेता साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये सारा दफ्तर आपका है, आप क्यों संकोच क्यों? मैं कहता हूँ उठाओ हाथ और मारो मेरे मुंह पे थप्पड़, मारो मारो मार डालो मुझे। बदतमीज, क्या क्या? नहीं नेता साहब, नहीं, ये तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, आप देखते नहीं अब जिस चेहरे पे ये भयानक दांत बाकी है। नेता साहब, तोड़ दीजिए इन्हें, जी भर के पीटिए, और अगर हो सके तो उस भगवान को भी जाकर थप्पड़ लगाइए जिसने ये भयानक शक्ल बनाई है, उन माँ बाप को भी सजा दीजिए जिन्होंने इस बदसूरत बेटे को जन्म दिया। बाप बेचारा तो चल बसा, अभागल माँ जिंदा है जिसने हमेशा यही कहा, मेरे बेटे मेरा लाल, तू कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है राजा बेटा, राज दुलारा कहा मुझे, आंखों का तारा कहा मुझे, जो तुरंत थप्पड़ों के लायक है उसे चूम चूम कर प्यार किया उसने। मैं जानता हूं मैं किस काबिल हूं, मैं एक बदशक्ल बदसूरत इंसान हूं जिसका खूबसूरत दुनिया में कोई काम नहीं। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार डालिए, मार डालिए, मार डालिए। मेहता जी, इसके दिल में दीनहीन भावना ने घर कर रखा है, मेरा मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। आपने इसके चेहरे की बुराई कर दी इसलिए बेचारा पागल हो गया। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मेहता साहब, माफी तो मैं मांगता हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा था, जरा ओवर एक्टिंग हो गई। सुंदर, तू एक्टिंग कर रहा था? नहीं तो और क्या कर रहा? सच? तू इतना बड़ा एक्टर है सुंदर? सुंदर शाबाश, शाबाश सुंदर, शाबाश। लड़का बहुत होशियार है। मिस्टर सुंदर, ये लीजिए 1000 रुपए का चेक एडवांस। एडवांस क्यों? आप मेरी अगली फिल्म में काम करेंगे। लेकिन साहब मेरे दांत। आप परवाह मत कीजिए, ऐसा लगता है आप पहले भी फिल्म बना चुके हैं, घर की खेती कम हो गई है, 3 पिक्चर बना चुका हूँ नए चेहरे लेकर। अच्छा मिस्टर सुंदर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, भगवान आपकी सहायता करे। मुबारक है सुंदर। देखा, उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। मिस्टर सुंदर जी। अरे अमर, बैठो बैठो, बैठो भाई बैठो, बैठिए तो सही। आप हमारे पिक्चर में भी काम करेंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी। जरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी। वो जी, उसके लिए आप मेरे घर आइए फिर बात करेंगे। माँ, माँ मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं वेटर तो फिल्म एक्टर बन गया। देखो क्या, फिल्म एक्टर? माँ किस सोच में पड़ गई हो, मुझ पे भरोसा रखो, अगर मुकद्दर से मैं कुछ बन भी गया तो अपने इन दिनों को कभी नहीं भूलूंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटे। माँ मेरा आशीर्वाद है, तेरा आचरण अच्छा रहे, तुझे सफलता मिले, तू खूब फले फूले बेटे। मेरी अच्छी माँ। अच्छा बेटे, मैं मंदिर जाती हूँ। भगवान मुझे हिम्मत दो, मैंने लोगों को हंसाने की जिम्मेदारी ली है, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाए। सुंदर, अमर। अरे उल्लू, एक फिल्म में काम मिलती आसमान पर चढ़ गया, प्रोड्यूसर को घर आने के लिए बोल दिया। क्या करूं यार, 1000 रुपए का चेक देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अपनी औकात भूल गया। अमर एक बात बोलूं? क्या? ये सब कुछ तेरी बदौलत हुआ है, माँ के बाद तेरे भी चरण छूने चाहिए, आज तू आशीर्वाद दे ही दे। ये क्या कर रहे थे? सुन ले, आप यहाँ कैसे? नहीं आप यहाँ कैसे? नहीं क्या करूँ? मुबारक हो, सुना तुम्हें फिल्म में काम मिल गया है। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ? होटल से, और मुझे तुम्हारी तरक्की में दिलचस्पी है। मैं जानता हूँ। अमर क्या है बताना? अरे वही है, वही। अच्छा? हाँ, आप बैठिए ना। ए अमर उठना है, बैठने भी बैठिए। माफ करना है, मैं जरा एक मिनट। बस
अमर, ये है रसराज होटल के मालिक की बेटी राधा, और ये है मेरे जिगरी से भी जिगरी दोस्त विल्सन कंपनी के मैनेजर अमर। सुनिए, आप पहली बार घर आए और माँ मंदिर चले गई, क्या कोई बात नहीं, आप लोग आपस में बात करिए, मैं एक मिनट में आया। अंतर मंतर काम करंतर नाम कबंतर चू चा चू चा चू चा। चूल्हा तो जल गया, अब बनाऊंगा क्या? आटे का हलवा, आटे का हलवा। शायद आपको मुझे यहाँ देखकर ताज्जुब हो रहा है। जी ताज्जुब नहीं, खुशी हो रही है। क्या मैं पूछ सकती हूँ उस दिन आप क्यों नहीं आए? मैं क्यों आता? आना नहीं था तो पिताजी को धोखे में क्यों रखा? मेरे ख्याल में वो अब भी धोखे में है। किस धोखे में? वो आप जानती हैं, सिर्फ आपके पिताजी नहीं जानते कि आप सुंदर से प्यार करते हैं। नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हैं आप? नाराज ना हो, सुंदर ने खुद कहा है मुझसे वो आपसे बेहद प्यार करता है। किसी शरीफ लड़की को बदनाम करना आपको शोभा नहीं देता। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह सकते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं। पसंद है तभी तो देखने आ रहा था, लेकिन जब सुंदर से मालूम हुआ कि झूठ झूठ बोला है उसने। मैं भी उससे पूछती हूँ, कोई ना समझ मेरी हमदर्दी को प्यार समझ बैठे तो इसमें मेरा क्या दोष? प्लीज जरा धीरे बोलिए। वो कहता था आपने उससे कहा I like you? हाँ, मैंने उसे एक बार नहीं कई बार कहा है कि I like your innocence। मुझे उसकी मजाकिया बातें अच्छी लगती थी, उसको भोलापन पसंद था और अब भी पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। देखिए, वो अंग्रेजी ज्यादा नहीं समझता, बहुत ही सीधा है, बहुत ही भोला है, इसलिए मैं उसकी बातों में दिलचस्पी लिया करती थी। एक दिन आप उससे मिलने होटल में गई थी और उससे ये पूछा तुम्हारी शादी होगी? हाँ, मैंने पूछा था, यही सोचकर कि बेचारे की शादी हो गई होगी तो इस तरह हमें कैसे गुजर करता होगा। यानी आप उसकी तरक्की चाहती थी? हाँ। इस गलतफहमी के एक तरह से मैं भी जिम्मेदार हूँ, कुछ उसने गलत समझा, कुछ मैंने उसे गलत समझा। तो उसका दोष मुझ पर क्यों? मैं अभी उससे आपके सामने बात करती हूँ। नहीं राधा जी, उसका दिल टूट जाएगा, वो गरीब गलती से आपकी मुरत को अपने दिल में संजो बैठा है, आपको पाने के लिए अपना दर्जा बढ़ाना चाहता है, अभिनेता बनकर किसी लायक बनना चाहता है, और वो जरूर एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा, ये उसे भी विश्वास है और मुझे भी पूरा यकीन है, और आप भी मेरी तरह उसका भला चाहती हैं। राधा जी, क्या आप मेरे कहने से अपनी हमदर्दी को मोहब्बत में नहीं बदल सकती? आप सुंदर के सच्चे दोस्त हैं, मैं आपकी भावना और आपके विचारों की कद्र करती हूँ, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मोहब्बत होती है, किसी के कहने से की नहीं जाती। हमदर्दी तो मुझे अब भी है उसके साथ। ये मैं जानता हूँ। शायद आप ये नहीं जानते कि सुंदर की तरह मैं भी एक भूल कर बैठी हूँ, आपकी फोटो को देखकर और ये जानकर कि आप इस दासी को अपने चरणों में स्थान देने आ रहे हैं, मैंने बगैर आपकी राय जाने ही आपको अपने दिल में बसा लिया। राधा, सुंदर की उम्मीदों का खून हो जाएगा अगर उसकी जिंदगी में तुम नहीं तो उसकी जिंदगी ही नहीं। यही हालत मेरी है, आप अपने दोस्त के लिए खुद को भूल सकते हैं लेकिन मैं किसी और के लिए आपको नहीं भूल सकती। समझ में नहीं आता क्या करूं, इधर कुआं उधर खाई। सुंदर की जिंदगी का फूल खिलने से पहले नहीं मुरझाना चाहिए। राधा, एक काम करोगी? जान भी दे सकती हूँ सिर्फ भूलने के लिए न कहीं। जब तक सुंदर कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तब तक उससे ये राज छिपा ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पाने की इच्छा ही उसकी हिम्मत है, उसका सहारा है, आधार है। लेकिन एक दिन तो सच्चाई सामने आने वाली है, फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैंने उसे धोखे में रखा, धोखा दिया। तब तक उसका दिल मजबूत हो जाएगा, उसमें सहने की शक्ति आ जाएगी, शायद शोहरत और इज्जत की चमक दमक में आज की मोहब्बत का जोश कम हो जाए, तब हम उस पर ये राज जाहिर कर देंगे। राधा, तुम्हारा ये उपकार सुंदर पर नहीं मुझ पर होगा। चमचों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। आहा,
वाह आया तूफान ये क्या चुड़ी मुड़ी चुप अंदर रगड़ो मैंने तो बात करने के लिए कहा था आप लोग खामोश बैठे हुए राधा जी आज मेरी जिंदगी में इस मीठे की तरह पहला मीठा दिन है और इसका सहरा मेरे दोस्त अमर के सर पे है लीजिए ले अमर अर्जुन हाँ नहीं मैं नहीं मेरा मुंह तो खुशी से मीठा हो गया और आप दोनों को खाता देखकर और मीठा हो जाएगा सुन ले हाँ तुम्हें इसमें से थोड़ा सा खाना ही होगा तो फिर एक मिनट ठहरिए अरे दोनों ने आधा आधा दे दिया ज्यादा मीठा हो जाएगा नहीं सुंदर ज्यादा मीठा नहीं होगा समझ लो जो मैं दे रही हूँ वो फीका है फीका होगा तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ क्योंकि मैंने बनाया सुंदर खाने वाला भी जिम्मेदार हो सकता है वो भी गलती कर सकता है नहीं नहीं बनाने वाले की नासमझी भी गलती हो सकती है या फिर जल्दबाजी में गलती हो जा नहीं नहीं सुंदर बहुत अच्छा बना है आपको अच्छा लगे इसी इच्छा को लेकर बनाया है खाओ ना हाँ अच्छा सुंदर मुझे दीजिए थैंक यू जिसने बात बात पे मैं रूठी
हुआ था बेटी? पिताजी, आज तुझे खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पिताजी, मुझे अमर मिले थे, वो आपसे मिलने आएंगे। उस दिन किसी खास वजह से नहीं आ सके। कहाँ मिला था वो? अपना बेटा सुंदर है ना पिताजी, उसे फिल्म कंपनी में चांस मिल गया है, वो एक्टर बन गया है। उसे बधाई देने गई थी, वही उनसे मुलाकात हो गई। वो सुंदर के पक्के दोस्त है पिताजी, वो मुझसे शादी करेंगे। अरे वाह, अपने आप शादी भी पक्की कर ली तुम दोनों ने? नहीं नहीं पिताजी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। अगर मैं कहूँ तुम अमर से शादी नहीं कर सकती तो? मैं जानती हूँ मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा। अबे इतना बंठन के कहाँ जा रहा है? अच्छा, काम पे जा रहा हूँ। अबे तो इसमें इतना अकड़ने की क्या बात है, होटल ही जा रहा है ना? जी नहीं, मैं फिल्म एक्टर बन गया हूँ ना। फिल्म एक्टर? फिल्म एक्टर? लस्सी बिना पैसे दो? नहीं नहीं, बिना पिए ही पेट भर गया। सुंदर नहीं, सुंदर नहीं। भाईजान। भाईजान, ये नया नाम क्यों? तुम एक्टर बन गए हो ना, इसलिए। भगवान करे आपकी पिक्चरें सिल्वर जुबली करे, आपके दाम बढ़े और मेरा भाव बढ़े। अच्छा अच्छा, सुन लिया, डायरेक्टर ने जल्दी बुलाया, मैं जाता हूँ। भाईजान, जहाँ प्लेट जाती है वहाँ चमचा भी जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हैं फिल्म एक्टर और मैं हूँ आपका सेक्रेटरी। ठीक से बैठ। अरे बैठना भी नहीं आता, ना जाने कहाँ से चले आते हैं। मियां तेरा है? आई आई। ना जाने किन जानवरों में चलते थे। गधों में नहीं चलता था। हाँ तो शक्ल से दिखाई देते हो। अरे बोल, अरे कुछ तो बोल। क्या खाक बोलूं, मार मार के मेरे मुंह को तुमने आटे की चक्की बना दिया। अबे इस मार से कितने कुमारी, कुमार और खन्ना बना दिए। मेरी जान तुझे भी बना दूंगा तुझे। हम आया तू जरूर बन जाओगे कॉमेडियन। नमस्ते साहब, मैं आ गया। अबे आ गया तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? चल अंदर। अरे क्या देख रहा है? सही साहब, मुझसे ये कहा था कि डायलॉग पहले मारने में हॉल पे खड़ा होकर बोलना चाहिए। यहाँ तो छत भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है, पहला मारा कहा? अच्छा बेटा, पहली पिक्चर में डिस्कशन शुरू कर दिया, आते ही सवाल चालू। चल अंदर। वेल मैडम, गाली जरा। डायरेक्टर साहब का यही तो है। डोंट यू नो आई एम द डायरेक्टर? नमस्ते। ठीक है? ठीक है क्या साहब, दमाते मार मार के तो मुंह को पाउडर लगा है, ये कपड़े अच्छे चलेगा? चलेगा। देखो जी, इसको आज के डायलॉग याद करा दिए? जी करा दिए। और मैडम को? जी दे दिया। सुनो, ये हमारी हीरोइन है मिस पाशा आरिक, सपनों की रानी। देखिए ये मेरा नया चेहरा है, नया कलाकार सुंदर। मिस्टर डायरेक्टर, आप नए चेहरे को चांस देते हैं और ये हमारी जान खाते हैं। जी नहीं, मैं तो खाली भाजी पाला खाता हूँ। नया लड़का है बेचारा, इसके अंदर एक्टिंग की बहुत गर्मी है। आज वाकई बहुत गर्मी है। शट अप, वेरी एंबिशियस बॉय। ठीक है। ए ए, मैं तुमसे कह रही हूँ, इधर आओ। देखो तुम बहुत बड़ी हीरोइन के साथ काम कर रहे हो, ये सोच कर डरना नहीं। और देखिए, आप एक नए कलाकार के साथ काम कर रही है, ये सोच कर गलती नहीं करना। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, मैं इनको जानता हूँ, ये तो मूछों वाली है, मूछों वाली। वो घोड़ मुझे कहाँ है? यहाँ नहीं, बच्चे दीवार पर लगे हुए इनके पोस्टर पर कोयले से मूंछ बनाते हैं। ओ शट अप। सुंदर जी, तुम इस फिल्म में नौकर का रोल कर रहे हो और मैडम नौकरानी का रोल। तुम दोनों का आपस में ये अटका मटकी क्या है? इश्क है, इश्क, 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 इनसे इश्क। समझ गया, नौकरानी से इश्क। चलो हम रिहर्सल देखते हैं। मेकअप, मेकअप।
ठीक है ना, इसे में चलेगा। हाँ, चलेगा चलेगा। वो नया लड़का कहाँ है? अबे क्यों? अबे वहाँ क्या कर रहा? चल इधर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या एक नए चेहरे से इस तरह मार के काम लेते हैं? देखिए हम दोबारा रिहर्सल करेंगे। मुझे रिहर्सल की जरूरत है क्या? नहीं है नहीं है, हम टेक करेंगे। I'm ready. जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर इस नए को रिहर्सल करवानी हो तो अलग से करवा लीजिए। ओके सुंदर, तुमको रिहर्सल चाहिए? नहीं चाहिए तो हम टेक करेंगे। साहब मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे एक ग्लास पानी पिला दीजिए। ओफो, पानी पी लूं? घर से पानी पी के भी नहीं निकला? जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रेडी सर। कैन वी टेक नाउ? ऑल सेट रोल। अरे क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? नहीं, गले में कुछ गुदगुदी सी हो रही है। गुदगुदी? अरे बॉय, मैडम के लिए ठंडा मौसमी जूस लाओ। भरोसा रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए। तुम पे क्यों है फेथ इन मी? जल्दी करो, आहिस्ते आहिस्ते। बस अब ठीक है। लाभन रोलम हटना। देखिए ना साहब, एक तो बड़ी मुश्किल से ये चेहरा कैमरा के सामने आया और वो कालीन तख्ती लेके ऊपर नीचे कर रहा है। अरे बुद्धू, फिल्म ऐसे ही बनाई जाती है, शॉट शुरू होते ही वो हट जाएगा। तुम अपना डायलॉग बोलना शुरू कर देना, समझे? जाओ यहां से। रोलम जाना पार्टी लेके। डायलॉग बोलो। मंदू मंदू, तुम्हारी जवानी की अलसाई अलसाई अंगड़ाई, तुम्हारे गुलाबी गुलाबी गालों पर हलवाई की मलाई की मिठाई, तुम्हारी शर्माई शर्माई आंखों की नए पैसे जैसी गोलाई, तुम्हारी लंबी चौड़ी मोटी नाक की सवा इंच लंबाई। मंदू मंदू, तुम्हारे मंदे मंदे सांसों ने मेरी जान में जान डलवाई, अब अगर तुम कहो तो बजा दूं शहनाई। चलो हटो, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मेरी सांसों में तुम्हारे लिए गर्मी नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार की प्यास नहीं, प्यार की प्यास। अंडरस्टैंड? क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम हम हिंदी में फिल्म बना रहे हैं, इंग्लिश में नहीं। दिस इज नॉट ए को-प्रोडक्शन। मगर मैंने तो हिंदी में डायलॉग बोला। मैडम लहजा इंग्लिश था, हिंदी लहजा चाहिए हिंदी। आप फिल्म में नौकरानी हैं। बहन दूसरों की फिल्मों में इंग्लिश लहजा क्या, इंग्लिश में ही बोलिए, जापानी में बोलिए, लेकिन मेरी फिल्म में शुद्ध हिंदी में बोलिए। जाइए शॉट दीजिए, जाइए जाइए। राधा क्यों बहुत नाराज हो? नहीं बहुत खुश हूँ। इतनी देर क्यों की? मैं जरा सुंदर से मिलने चला गया था। एक खुशखबरी सुनी? क्या है? सुंदर की पहली फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। अच्छा? हाँ राधा, सुंदर की तरक्की का कारण सिर्फ तुम हो। मैं क्यों? जो आपने कहा वही मैंने किया। मैं किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूँ? बस बस रहने दो, वरना मैं धन्यवाद के बोझ में दब जाऊंगी। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा तो इसका मतलब पहले मैं सुंदर नहीं था? अच्छा मिस्टर हाथी, आपकी इस सहायता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा न जा न जा न जा। आग दिल में लगी है, मेरे पास तू न आ।
हाँ आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ न आ न आ न आ न आ मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो हा 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 नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो हा 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 जो बदनामी का डर था तो फिर प्यार क्यों किया मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा न जा दिल में लगी है मेरे पास तू न आ रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में हाँ दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में रहने दे मत होश न बना आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ न आ न आ न आ न आ मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा सौ बहाने आ गए हे 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 दो मुलाकातों में तुझको सौ बहाने आ गए हे हे ओ हो लोग सुनते हैं सारे आहिस्ता आहिस्ता मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा न जा न जा निकालो
वेरी गुड। बीबी का गुलाम 28 दिन में बनी महान फिल्म, नए कलाकार सुंदर के सुंदर अभिनय से फिल्म जगत में हलचल। सुंदर का एक ही चित्र से फिल्म जगत में बहुत ऊंचा स्थान। सुंदर की खूबसूरत अदाकारी का फिल्म जगत में स्वागत। वाह सुंदर वाह। क्या पढ़ रहे हो अमर बाबू? ओ बाबूजी आइए आइए बैठिए। बैठो अमर बैठो। मैंने तुम्हारी और राधा की शादी का दिन तय करने के लिए तुम्हारे पिताजी को खत लिखा था। उन्होंने बात तुम पे छोड़ दी है। मैं इसलिए आया हूँ कि शादी की तारीख तय कर ली जाए। बाबूजी मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि मेरा एक संकल्प है, उसके पूरा होते ही शादी का दिन तय कर लेंगे। लेकिन वो क्या संकल्प है? जी अमर। अरे सुंदर मुबारक हो, सुंदर मुबारक हो, मुबारक हो। अरे आज हर पेपर ने तेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा है। बैठ बैठ। लेकिन मुझे डर लग रहा है। पिक्चर लगते ही बहुत शोर शराबा हो गया, कुछ ज्यादा लिख दिया अखबार वालों ने। आप साहब कौन? सेठ जी आप। माफ कीजिएगा सेठ जी, मैं आपको बिना देखे बैठ गया। सुंदर सुना है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगे हो। ये तो अखबार वाले लिखते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पैर छूने में कोई एक्टिंग नहीं। सुंदर मेरा आशीर्वाद है, तुम दिन ब दिन ऊपर चढ़ो। सेठ जी बिना घुटनों के कैसे चढ़ूंगा? मुझे उठने को तो कहिए, मेरे घुटने दुख रहे हैं। उठो सुंदर उठो। सुंदर तुम जैसे थे वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। बैठो। नहीं सेठ जी मैं ठीक हूँ। अरे बैठो। सेठ जी आप यहाँ कैसे हैं? आप अमर को जानते हैं क्या? अमर ने तुम्हें नहीं बताया? अमर मेरा। अरे हाँ सुंदर तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तू बाद में बोलना, पहले सेठ जी को कहने दे। कहिए सेठ जी। वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ अमर तुम्हारा बताना ही ठीक होगा। अच्छा मैं चला। सेठ जी मैं जानता हूँ आपको सिनेमा देखना पसंद नहीं, लेकिन अपने सुंदर की फिल्म देखने जरूर आइए। आऊंगा सुंदर जरूर आऊंगा। अरे अरे क्या हुआ? देखा अमर जैसा पेड़ वैसे ही फूल। मेरा ससुर भी खूबसूरत है और मेरी राधा भी खूबसूरत है, किंतु परंतु इन महाशय को आप कैसे जानते हैं? जैसे तू उनसे मिला वैसे मैं उनसे मिला। तो तुम बगैर पैसे के होटल पहुंच गए? हाँ। कितने बर्तन साफ किए राजा? बस किसी तरह मैनेज कर लिया यार। अच्छा लेकिन मैं। अरे अमर ये उसका फोटो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखता हूँ, लेकिन उससे दिल की बात कहने के लिए तड़प रहा हूँ। सुंदर राधा ने तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया? नहीं। और तूने? कभी नहीं, लेकिन अब मैं कह देना चाहता हूँ। नहीं सुंदर अभी नहीं, बड़े लोग बड़ों के साथ ही रिश्ता पसंद करते हैं। राधा की हैसियत का बनकर ही उससे कहना ठीक होगा। अच्छा अमर मैं चलता हूँ, मेरी शूटिंग है। तो जा। डायरेक्टर साहब आई एम रेडी। भाई वहीदा जी तैयार हो गए, सुंदर अभी तक नहीं आया। आ गए हैं शायद, तैयार हो रहे हैं। यस सर। विक की वजह से देरी होगी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सुंदर अभी जो मैं सीन लेने जा रहा हूँ, सीन ये है कि तुम 60 वर्ष के बूढ़े हो और जवान लड़की से शादी कर ली है। इनके साथ तुम बाजार गए, बाजार में कुछ सामान इत्तेफाक से ज्यादा खरीद लिया और सारा सामान तुम खुद लेकर आ रहे हो। हो सकता है रास्ते को कुछ ना मिला हो। रास्ते में आते आते अचानक ये होता है कि जोरों से आंधी बारिश और तूफान आ जाता है। बारिश तूफान कब आता है? जब मैं कहूंगा। वहीदा जी ये छतरी आप लेकर आ रही हैं। डायरेक्टर साहब अगर सामान के साथ सुंदर छतरी भी लेकर आए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जब बारिश तूफान हवा चलेगी तो ये सामान भी संभाल रहे हैं, छतरी भी संभाल रहे हैं, तो इससे ज्यादा कॉमेडी होगी, है ना? वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अब ठीक है बहुत अच्छा। और छतरी और इस तरफ से जाएगी कि कैसे जाऊंगा? तो अच्छा यू रेडी? हां जी। पोजीशन पर जाइए। समझ समझ। हां जी हां ठीक है। तूफान बारिश छतरी। अरे पकड़ो।
मैं तुम्हें कितनी तकलीफ दे रही हूँ। अब हम घर कैसे पहुँचेंगे? तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें घर पहुँचाऊंगा। राम राम, तुमसे किसने कहा था इस बुढ़ापे में चौथी शादी करने के लिए? अब तो कर दी। साहब अखबार। थैंक यू। ओह यू टेलीफोन। हेलो स्पीक हियर। हेलो फैन है, आपके चाहने वालों के साथ। इसे मेरे कमरे में रख दो। सर जूस। थैंक यू। सुंदर साहब। हाँ जी। महालक्ष्मी शुगर डिस्क के 1000 शेयर। 1000 नहीं, मैंने 500 कहे थे, आप 500 खरीदिए जाइए। जी भाईजान। हाँ जी। आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर आए हैं। अरे हाँ दत्ता राम, तुम एक काम करो, तुम मुझसे कहो कि मैं आज नहीं कल पढ़ूंगा। और भाईजान सूरज महेंद्र का लेटर आया, इस साल रेस में कितने घोड़े खरीदोगे? उसके सारे घोड़े खरीद लो। मगर रुपयों का एडजस्टमेंट कैसे होगा? वो तुमको क्या करना है, मेरा सॉलिसिटर उस्मान पालकी वाला जाना, तुम उस्मान साहब से मिलो। और भाईजान वो पुणे के बंगले के मुतल तो कोई जवाब नहीं दिया। हाँ दत्ता राम, तुम्हें काम करो उसके लिए भी, उसे तुम यतीम बच्चों के लिए स्कूल बना दो। मुझे चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी। मामी। माँ तुम यहाँ हो? माँ अपना वो छोटा घर अच्छा था, अंदर आते ही माँ के दर्शन हो जाते थे। इस बड़े घर में बेटों को पता नहीं चलता कि माँ कहाँ है, माँ को पता नहीं बेटा कहाँ है। पता कैसे चले, तू रात के 1:30-2 बजे आता है और सुबह होते ही चला जाता है। सबको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है और तुझे कभी घंटे भर के लिए भी मेरे पास बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। सुंदर बेटे तरस जाते हो तेरी सूरत देखने के लिए। भाईजान शूटिंग के लिए देर हो रही है। बस अब रुकेगा तू? माँ क्या करूँ, रुकूंगा तो प्रोड्यूसर का 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अच्छा माँ बाय बाय। राज पिक्चर्स लव इन हवाई सॉन्ग नंबर 1 टेक 1 रेडी 1, 2, 3, 4 फाता फात फात नाच मेरी जान, फाता फात फात बात मेरी मान, फाता फात फात बात मेरी मान, फाता फात ये जमाना ये तराना नया, फाता फात ये जमाना ये तराना नया, फाता फात नाच मेरी जान, फाता फात फात बात मेरी मान, फाता फात फात। देखो 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 नए डांस का नमूना, देखो 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 नए डांस का नमूना, कभी मैं तुम्हें छूऊंगा कभी तुम मुझे छूना, कभी मैं तुम्हें छूऊंगा कभी तुम मुझे छूना, मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू। नया ताल नई तान, फाता फात फात नाच मेरी जान, फाता फात फात बात मेरी मान, फाता फात फात नाच मेरी जान, फाता फात ये जमाना ये तराना।
जमाना ये सराना नया फटाफट। काम नहीं चलेगा। देखो मैं खुद फोन कर रहा हूँ, तुम्हें जरूर आना होगा। आओगी ना राधा? अच्छा, बाय बाय। मम्मी, कम ऑन मम्मी, हरी अप हरी अप, जल्दी चलो। कहाँ? हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे श्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, बहुत बड़ा समारोह होगा। मेरी वहाँ क्या जरूरत है? अरे वाह, जरूरत कैसे नहीं, जानती हूँ वहाँ कौन कौन आ रहे हैं। अपना अमर, मेरे पुराने मालिक राम स्वरूप जी और उनकी बेटी राधा। अब बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरा स्वागत हो और वहां मेरी मान लो, ये कैसे हो सकता है। मैं यहीं बैठे बैठे सब देख लूंगी। भाईजान जल्दी चलो, लोग वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो ना माँ, देर हो रही है। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना, चल तू जा। क्या? माँ जानती हूँ मैं कितना नाराज हो रहा हूँ। अच्छा माँ, आशीर्वाद दो। तेरी खूब तरक्की हो, तेरा खूब नाम हो बेटे। नाच मेरी जान, फता फात फात। सलू वो बो वो बो वो बो 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 बो। अरे सब लोग मिलकर आए हो, क्या बात है? माँ जी हमें थोड़ी देर की छुट्टी दे दो। किस लिए? आज हमारे मालिक को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।
लोग हमारे मालिक की कितनी इज्जत करते हैं हम भी देखेंगे। सब जाना चाहते हो क्या? हाँ माँ जी। अच्छा जाओ जाओ। ये भी मेरे बेटे का स्वागत समारोह देखना चाहते हैं, उसकी तारीफ सुनना चाहते हैं। मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं भी जाऊंगी। माँ जी ड्राइवर सब चले गए, टैक्सी लाओ। नहीं नहीं तुम जाओ। अच्छा। अरे कहाँ जा रही हो? इनविटेशन कार्ड है? हटिए पीछे हटिए, जाइए जाइए। मिस्टर सुंदर को एसोसिएशन की तरफ से ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। लेडीज एंड लेडर्स, आई एम सॉरी, आई मीन टू से लेडीज एंड जेंटलमैन, दिए को रोशन करने के लिए जिस तरह तेल की, बत्ती की और दिया सलाई की जरूरत होती है, उसी तरह एक कलाकार को चमकाने के लिए प्रेरणा की, साधन की और कला के कदरदानों की जरूरत होती है। मुझे ये कहकर किसी ने प्रेरणा दी कि आई लाइक यू एनएसएस, मेरे मित्र अमर ने साधन जुटाया और आप सब सिनेमा प्रेमियों ने मेरी कला की कदर की। अगर मुझे ये सारे सहयोग न मिलते तो आज ये होटल बॉय सुंदर होटल में बॉय ही बना रहता। बोलो सही। मेरी इस तरक्की में आप सबका हाथ है। फूलों के हार का हकदार मैं नहीं बल्कि आप सब हैं, क्योंकि आज जो मुझे शौहरत मिली है, जो दौलत मिली है, जो इज्जत मिली है, ये सब आप लोगों की वजह से, जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। अब अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी प्यार भरी मेहरबानी और कदरदानी की कलियां सदा मेरे गले में माला बनकर महकती रहें। जय हिंद। आगे मत बढ़। माँ ये सब क्या है? तेरी नजर उतार रही, मेरी कुलदीप पर न जाने कैसी कैसी नजर पड़ी होगी। आप फाड़ फाड़ कर देख रहे थे सब लोग। लेकिन माँ तुम तो वहाँ नहीं आई, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है। क्या घर में बैठे बैठे ज्ञान दृष्टि मिल गई? अच्छा माँ ये बताओ मैंने वहाँ क्या क्या कहा? दिए को रोशन करने के लिए जिस तरह तेल की, बत्ती की और दिया सलाई की जरूरत होती है, उसी तरह कलाकार को चमकने के लिए प्रेरणा की, साधन की और कला के कदरदानों की जरूरत होती है। अरे वाह माँ वाह, तुमको तो सब कुछ याद है। अच्छा माँ ये बताओ मैंने बिना लिखे वो भाषण दिया कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हारे तूने कहा किसी ने प्रेरणा दी, कौन है वो? वो तुम, मेरी माँ। देख मैं भी तेरी कदरदान हूँ, तेरे दस्तखत लाई हूँ। ये क्या मकुड़ी की टांग की तरह लिखा है? माँ तुम वहां पहुंची कैसे? कैसे भी पहुंची, आज मुझे मालूम हो गया मेरा बेटा कितना गुणी है, कितना चाहते हैं उसे लोग। ये सब तुम्हारे चरणों का प्रताप है माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे नाम मिला है, धन संपत्ति मिली है। तू खूब फले फूले बेटे, लेकिन लेकिन मुझे डर लगता है इस शोहरत और धन दौलत की चकाचौंध में कहीं तू मुझसे बिछड़ न जाए बेटे। ऐसा क्यों कहती हूँ माँ? जैसे अंधा अपने लाठी को पास रखता है उसी तरह माँ भी अपनी संतान को हमेशा अपने पास रखना चाहती है। ये देख बेटे, ये देख, तू हमेशा मेरी मुट्ठी में, मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता।
माँ कितना प्रेम है तुम्हारा मुझ पर। जान दाता मैं क्या करूं माँ जी, सुंदर को जाने में देर हो रही है। देखा माँ, आ गया दाता मुझे तुमसे अलग करने के लिए। दाता तुम जाओ। माँ ये दाता मुझे तुमसे क्या अलग करेगा, लेकिन बात दरअसल ये है माँ, हम सब कलाकार एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों? वो यतीम और अपाहिज बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना है, प्रोग्राम भी करेंगे। दूसरे सब कलाकार जाएं और मैं ना जाऊं ये ठीक लगता है ना माँ? तू वापस कब आएगा? आज 12 तारीख है, कल से 19 तारीख तक प्रोग्राम। 20 को यहाँ? जानता है ना क्यों पूछ रहे? अच्छी तरह जानता हूँ माँ, 20 तारीख को पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मैं दाताराम को साथ नहीं ले जा रहा। वो यहाँ सारा इंतजाम कर देगा और मैं ठीक वक्त पे पहुँच जाऊंगा। रात का वक्त है, गाड़ी धीरे धीरे चलवाना। डरती क्यों हो माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मुट्ठी में। दीन दुखी और अपाहिज बच्चों के सहायतार्थ फिल्म कलाकारों का मनोरंजन कार्यक्रम। ये आसमान है, जमीन थोड़ी, तो तुम लोग जानवरों की तरह लड़ रहे हो। देखो अगर मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूंगा। जैसे अपन नीचे जमीन पर राशन के लिए लाइन लगाते ना, वैसे लाइन लगाओ। शाबाश, राशन राशन जैसे चावल मांगते अपन। हाँ कैसी औलाद है? हाथ, अरे हाथ जोड़ो रे प्रभु, आज कैलाश में ये कैसी भीड़ है। ये कौन है जो बेसहारा है, तुम अकेले हो मगर ये पूरे 11 है। बोलो बोलो साथी, नहीं बराती, नहीं जी पुजारी, नहीं भिखारी, ना तारे तारे नहीं मेरे दुलारे हैं। मेरे चन्ना का, मेरे मुन्ना का किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। अरे मुन्नो की अम्मा, क्या ये तो बता, ओए फिटे मुंह, तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है? सच सच बता, प्रभु से ना छुपा, इसमें शर्माने का भला काम क्या है? मुन्नो की अम्मा ये तो बता, तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है? बोल ना जोरू, सबके नाम। प्रभु ये, अरे हटो ना बीच में से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर गोद में और दिसंबर पेट में। अरे तुम्हारे एक परिवार में इतने सारे बच्चे, क्या करूं भगवान क्या करूं, ये सब तो आप ही की देन है, क्या करूं। खाली खाली था ये घर मेरा, भर गया इसमें तेरा तेरा। खाली खाली था ये घर मेरा, भर गया इसमें तेरा तेरा। तारा बोले तुन तुन ओ शंकर भोले, सुन सुन कांटे लगते हैं ये फूल, हमसे हो गई कैसी भूल, फिर इसके बाद उम्दा दपुम। एक तारा बोले तुन तुन ओ शंकर भोले, सुन सुन जोत से जोत जगाती रहे, हाय हाय रोज दिवाली मनाते रहे, रोज दिवाली।
रूप तेरा मस्ताना पास मेरे ना आना भूल कोई फिर से ना खिल जाए ए रूप तेरा मस्ताना पास मेरे ना आना भूल कोई फिर से ना खिल जाए क्या हुआ और फूल नहीं खिलना चाहिए भाई अच्छा प्रभु प्रभु इस बढ़ती हुई आबादी की मुसीबत से हम लोग कैसे बचें आप ब्रह्मा जी से कहिए ना कुछ दिनों के लिए बच्चों की पैदाइश बंद कर दें ये कैसे हो सकता है भक्त तो फिर एक काम करिए प्रभु वो क्या प्रभु इससे आबादी भी कम हो जाएगी बच्चा बजाय 9 महीने के 18 महीने में पैदा हो क्यों रोती है 18 महीने अरे हम औरतों का हाल क्या होगा ये गोश्त तो मर्द क्यों नहीं ले लेते नको ये दर्द मेरे को नको प्रभु आप ही कुछ बताइए देखो भक्त ब्रह्मदेव की सृष्टि को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं क्या क्योंकि उन्होंने पहले ही मनुष्य को अनंत शक्ति का वरदान दिया है यदि मनुष्य सोच समझकर अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करे तो उसे सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी प्राप्त प्रभु मैं कुछ समझा नहीं नहीं समझे बालक अच्छा अब तुम्हें भी समझ आओगे सोहम ये देखो इस आदर्श परिवार को देखो अरे सिर्फ 2 बच्चे ये कैसे ये लीजिए परिवार नियोजन परिवार नियोजन जाओ प्रभु ये तुम खुद भी समझ लो और सबको समझाओ अपनी चादर देख के तू पांव फैलाओ जाओ भक्त जाओ जाओ भक्त जाओ हे भाई जरा देख के चलो देखो तुम करो शादी भी पैदा करो तुम बच्चे भी कम हो तो लगे अच्छे भी हे भाई जरा देख के चलो देखो तुम करो शादी भी पैदा करो तुम बच्चे भी कम हो तो लगे अच्छे भी हे भाई आइए 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 नमस्ते आपकी सहायता से हमारे आश्रम को बहुत फंड मिला है इतना पैसा आज तक किसी प्रोग्राम में नहीं मिला अच्छा ये सब आश्रम के बच्चे हैं सबके सब बड़े मासूम हैं चाचा ये लो इस गुलाब का हक तो सिर्फ एक ही चाचा को था मैं उस लायक कहा लेकिन इतना याद रखो मेरे बच्चों मेरी सारी जिंदगी तुम सब के लिए है सुंदर चाचा हमारे लिए एक प्रोग्राम और करो एक दिन हमारे लिए और ठहरो चाचा हमारी मदद करो हाँ, हाँ। क्या बेटे बोलो सुंदर साहब ये बेचारी बोल नहीं सकती गूंगी ये क्या चाचा एक प्रोग्राम और करो मेरी बच्ची भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया लेकिन तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया मैं तुम्हारे लिए प्रोग्राम जरूर करूंगा बल्कि कल ही करूंगा कल ये लो जुबी जुबी हेलो हेलो एक्सचेंज फिर से कोशिश कीजिए जी हाँ बहुत जरूरी काम है बहुत जरूरी क्या लाइन खराब है ओ प्लीज फिर से कोशिश कीजिए जी हाँ कहकर गया था पिताजी के श्राद्ध पर जरूर आ जाऊंगा
कितना लापरवाह होता जा रहा है। चिंता न करो मां, वो आएगा, जरूर आएगा। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। मुझे ट्रंकॉल क्यों नहीं किया? कई बार ट्रंकॉल करने की कोशिश की मगर लाइन खराब थी। माँ मैं क्या करूँ माँ, मुझे याद दे रहा माँ। क्या बड़ा आदमी बन जाने के बाद ये भी याद दिलाना पड़ता है कि माँ कौन है, बाप कौन है, उनके लिए भी कुछ फर्ज है। अगर साल में एक दिन भी पिता को याद करने की फुर्सत न मिले तो किस काम का ये पैसा, ये नाम? जरा सोच कर तो देख, तेरे इस लापरवाही से कितना दुख हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, वहां बेचारे दीन दुखी अपाहिजों के आंसुओं ने मेरी याद को अपाहिज बना दिया। उनकी मदद करने के जोश में मैं ये भूल गया कि मुझे पिताजी की शराब पर घर लौटना है। माफ कर दे माँ, माफ कर दे। अगर बेटे तू दीन दुखी अपाहिजों की सेवा के लिए रुक गया तो इससे बढ़कर कोई श्राद्ध नहीं बेटे। माँ माँ तुम कितने महान हो। लेकिन बेटे ये कभी मत भूलना, बेटे के बिना माँ कितनी अपाहिज होती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है। क्या करो माँ? मैं अपने बेटे के गोद में दम तोड़ू, यही मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरी अंतिम घड़ी में मुझसे दूर न होना बेटे। ये कैसी बात कर रही हो माँ? पगला कहीं का, कोई अमर फल खाकर थोड़ी आई हो। बोल, करेगा ना अपनी माँ की इच्छा पूरी? माँ पहले तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो। देख ऐसी वैसी बुरी बात मुंह से निकाली तो चपत खाएगा। चपत नहीं, तुम्हारे हाथ की बासी रोटी खाऊंगा। यहाँ बैठो माँ, बैठ जाओ। अरे तू तो बासी रोटी लाने के लिए गया था, लेकिन ये क्या, थाली भी पुरानी ले आया। बेटे तुझे पुरानी चीजों से इतना प्यार क्यों है? माँ तुम भी तो पुरानी हो, ओल्ड। क्या मैं अपनी माँ को भूल सकता हूँ? खिलाओ ना माँ। Old is gold. नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। भाईजान आप ऑल इंडिया रेडियो से इंटरव्यू के लिए आई हैं। कहाँ से? ऑल इंडिया रेडियो से। बैठिए ना। थैंक यू मिस्टर सुंदर। हाँ जी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ हाँ शौक से पूछिए। ये लीजिए। इफ यू डोंट माइंड आपकी उम्र क्या है? एक्सक्यूज मी, बात दरअसल ये है कि फिल्म आर्टिस्टों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि हमारे फिल्म लाइन में जितनी हीरोइंस हैं वो सब बेबी हैं और जितने हीरो वो सब बाबा हैं। अच्छा आप पढ़े कहाँ तक हैं? माफ कीजिए ये कान में बताने वाली बात है क्योंकि मेरी पढ़ाई का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के किसी स्कूल में नहीं। एक्टर हूँ ना। सुंदर साहब आप अपनी पहली जिंदगी और आज की जिंदगी में कौन सा बड़ा फर्क महसूस करते हैं? आपके सवाल का जवाब उस दीवार पर है। मैं एक बदसूरत इंसान था जिसका सर हमेशा शर्म के मारे नीचे झुका हुआ रहता था। उसके बाद होटल बॉय बना और फिर अपने दोस्त और फिल्म वालों की मेहरबानी से एक्टर बन गया, फिर स्टार और टॉप स्टार। आज ये नाचीज खादिम आपके सामने खड़ा है। गुड,
अपनी गुजरी जिंदगी में उठाई तकलीफों का थोड़ा सा खाका। तकलीफ एक छोटे पत्थर की तरह है, अगर उस पत्थर को आंखों के पास रखकर देखें तो पहाड़ जैसा दिखाई देता है, अगर उसे बहुत दूर रखकर देखें तो छोटा नजर आता है, तिनके की तरह, अगर उसे पैरों के नीचे दबा दें तो छुप जाता है। मानो तो तकलीफ है, मानो तो कुछ नहीं। गुड मिस्टर सुंदर, आपको कभी अपने होटल बॉय के जीवन की याद आती है? कभी नहीं भूलता उससे मैं, और ना ही भूलूंगा, इसीलिए तो मैं। अरे दादा राम, वहां टंगी हुई हमारे होटल बॉय वाली पोशाक कहां है? भाईजान, इतने आलीशान मकान की दीवार पर वो पोशाक बड़ी भद्दी लग रही थी, मैंने हटा दिया। शार! पहले उसे वहीं टंगा। मगर भाई, I said do it! मैडम, वो पोशाक मेरी नजरों के सामने रहती है तो मुझ पर पैसे का नशा नहीं चढ़ता, अहंकार मेरे पास तक नहीं फटकता। जब भी कभी मैं ये सोचकर हंसता हूं कि छी मैं वो पोशाक पहनता था, तो आप जानती हो पोशाक हंसकर मुझे क्या जवाब देती थी? अरे बुद्धू, मुझे पहनने से ही तुझे ये पोशाक मिली, वो पोशाक मुझे मेरी पिछली औकात भूलने नहीं देती। मैंने मां से कहा था मैं बड़ा बनकर भी खुद को नहीं भूलूंगा, उस वचन की याद दिलाती है वो पोशाक। सॉरी मैडम, माँ का नाम लेते ही माँ की याद आ गई, बहुत देर हुई माँ से मिले हूँ। वन मिनट प्लीज, आखिरी सवाल। जरा जल्दी पूछिए, आपकी शादी कब होगी? शादी? मेरी भी शादी होगी और बहुत जल्दी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही हसीन इत्तेफाक है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आप तो जानती हैं हिंदुस्तान में माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं हो सकती। मैं भी अपनी माँ से पूछूंगा और मुझे यकीन है कि मेरी माँ मुझे जरूर इजाजत देगी, क्योंकि मैं प्रेम विवाह करूंगा, यानी कि लव मैरिज। मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड आपको भेजूंगा, आप जरूर आइए। थैंक यू। और अपने साथ अपने स्टाफ को भी लाइए। अच्छा, तो आप सुनने वाले भाइयों को सुंदर का नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप हास्य कलाकार सुंदर से रेडियो इंटरव्यू सुन रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम। सुना आपने, क्या आप भी हमें चुप रहना चाहिए? हेलो, कौन सुंदर? हाँ अमर, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। मेरा रेडियो का प्रोग्राम सुना? हाँ वही सुन रहा था। गुड, वेरी गुड। यार अमर, अब तो मैं इस लायक हो गया हूँ ना कि सेठ राम स्वरूप जी से राधा का रिश्ता मांगने की हिम्मत कर सकूं। यार अमर, मैं अब जल्द राधा से मिलूंगा। आई कांट वेट। क्या? मैं अपने दिल की तिजोरी में छुपे अपनी मोहब्बत के खजाने को राधा के चरणों में उंडेल दूंगा और वो मेरी पूजा के फूल अपने दामन में समेट लेगी। और अमर, जानते हो वो मुझसे क्या कहेंगे? ये मैं तुमसे नहीं बताऊंगा। हाँ मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। हाँ अमर, तुम तो मेरी मोहब्बत के राजदा हो, मेरे जिगरी दोस्त हो। अच्छा दुआ दो, तुम मुझसे बड़े हो ना। ये क्या अमर, दोस्त की दुआ के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा? सुंदर, मैंने हमेशा तेरा शुभ चाहा है, जो होना है होकर रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बाय बाय। राधा, सुंदर तुमसे अपने प्यार के इजहार करने आएगा। इतने दिन तक सच्चाई को उससे छिपाकर हमने भूल की। मेरे पास आने से पहले आप ही उसे सब कुछ कहना नहीं। लेकिन वो हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं? मैं आज तक आपके कहने से खामोश रही। दोस्ती के फर्ज ने मेरे होंठों को सी दिया। राधा, अगर सुंदर आंसू भरी आंखों से कहे कि अमर, क्या तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकते, तो मैं ना नहीं कर सकता। मुझमें ना कहने की हिम्मत नहीं है राधा, नहीं है। खैर, मैं आपको इस परेशानी में नहीं डालूंगी, खुद ही जवाब दे दूंगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा, प्लीज रिलीज मी, लेट मी गो, आई डोंट लव यू एनी। सुंदर माँ। सुंदर यहाँ बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आज माँ मुझसे क्या पूछने वाली है। रेडियो पर मेरे प्रेम विवाह की बात सुन ली होगी, है ना? हाँ,
यही पूछना है। हर माँ को यही पूछना चाहिए, लेकिन जरा ढंग से, उसमें कुछ कला का प्रदर्शन होना चाहिए। अब माँ, हम लोग एक रिहर्सल करें। रिहर्सल? अब ये रिहर्सल का हिंदी क्या? चलचित्र तालीम। अच्छा बाबा। अब फर्ज करो कि मैं माँ और मैं पूछ रही हूँ, क्यों रे ये प्रेम प्रेम कब से चल रहा है? माँ हंसो नहीं, माँ मेरे जैसे तुम बोलो, बोलो। क्यों रे ये प्रेम प्रेम कब से चल रहा है? वाह माँ, तुम तो बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। उसके बाद में बेटा बोलता है। जी जी जी, ये नाकू क्यों हाथ लगा रहा है? माँ आजकल इसी टाइप की एक्टिंग चलती है, तुम फिर से पूछो। क्यों रे ये प्रेम प्रेम क्या चल रहा है? माँ जब से उसने मुझे देखा है, मैंने उसे देखा है। लड़कियों से आंख लड़ा था फिरता है? मुझे यही पूछना था ना। हाँ माँ यही पूछना था, लेकिन ये रिहर्सल है, जरा तमाचा ऐसे मारो। उसके बाद में बेटा डरते हुए, कांपते हुए, घबराते हुए बोलता है कि माँ मैं सबसे नहीं, सिर्फ एक ही लड़की से आंख मिलाता हूँ। उसके बाद माँ बोलती है, क्या तू उससे शादी करने वाला है? तो बेटा कहता है, माँ माँ मुझे शादी की आज्ञा दे दो। फिर माँ क्या कहती है? माँ कहती कि बेटा कल क्यों, तू आज शादी कर ले। लेकिन बेटे ये तो बताओ, लड़की कौन है, किसकी है, कहाँ की है? आ, 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 ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जरा सस्पेंस है, हिचकॉक। अच्छा बाबा ठीक है, अब शुरू से पूछ। माँ मैं क्यों पूछूंगा, तुम माँ हो, तुम मुझसे पूछो। अच्छा क्यों रे, शादी कब करेगा? ये क्या हुआ माँ, तुम तो पत्थर मार रही हो। माँ जरा प्यार से पूछो ताकि मैं फौरन शादी करूं। अच्छा बेटे ये प्रेम प्रेम कब से चल रहा है? माँ यही करीब 2-3 साल से। अच्छा फिर शादी कब करेगा? शादी नहीं माँ, अभी नहीं। नहीं करेगा? नहीं माँ। नहीं करेगा तो मत कर। माँ 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 हम लोग एक्टिंग कर रहे थे माँ। अयो यो फंस गए। अरे यार सुंदर साहब ने बीव का गुलाम में क्या काम किया है? बहुत अच्छा है क्या यार? हेलो राधा। ओ आप आइए बैठिए ना। पिताजी घर में हैं? वो बाहर गए हैं, जरूरी बातें करनी, जब वो घर में होंगे तब आऊंगा। सुनिए क्या बात है? अब ऐसी बात अकेले मैं कैसे कहूँ? कोई हर्ज नहीं कहिए ना। कहने को तो मैं भी कब से तरस रहा हूँ। वैसे राधा इस तरह के सीन मैंने फिल्मों में कई किए हैं, लेकिन वो सब सीन आधे में कट हो जाते थे। हमारे डायरेक्टर भी गलती करने पर ऐसे ही हंसते थे। मैं ये कह रहा था राधा, मैं क्या कह रहा था, दिल की बात होंठों पर तो आती है लेकिन फोटो पर ही रुक जाती है। अब मैं कैसे कहूँ? ठीक है, अब के मैं कोई घुमाव फिराव नहीं करूंगा, सीधा सीधा कहूंगा। राधा राधा मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मैंने भी रेडियो पे सुना था। सुना तुमने? मैंने जो जो कहा वो सब तुमने सुना? तब तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। राधा जब मैं रेडियो इंटरव्यू दे रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शादी के मंडप में सरहा बांधे खड़ा हूँ। राधा इन फूलों में मेरे जज्बात का रंग है, मेरी मोहब्बत की खुशबू है। मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ राधा, ये लो। शर्माओ नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो। अरे चुप क्यों? नहीं, नहीं राधा नहीं कहकर मेरा दिल ना तोड़ देना। नहीं सुंदर नहीं, मुझे माफ कर दो। सुंदर मुझे तुम्हारा भोलापन और मजाकिया बातें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं तुमसे हंस कर दो बातें कर लेती थी। अपने भाई के साथ बात करना और हंसते बोलने में जो भावना एक बहन के मन में होती है, वही भावना मेरे मन में थी। राधा मेरी कोई बहन नहीं, शायद इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ न सका, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। क्या मैंने सचमुच तुम्हें गलत समझा? तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की? नहीं सुंदर नहीं। ऐसा न कह रहा था, मैं नहीं जानती थी कि
एक कुंवारी लड़की किसी लड़के से हंसकर दो बातें कर ले तो गलत फहमी हो सकती है। हम दर्द भरे हंसने बोलने को कोई अपने दिल का दर्द बना सकता है? अपनी इस नादानी का एहसास मुझे अब हो रहा है सुंदर। राधा, नादानी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी थी, तभी तो मेरी माँ मुझे हमेशा बुद्धू कह के पुकारती है। अच्छा राधा, मैं जाता हूँ। राधा, राधा, इस गुलदस्ते को तुम्हारे हाथों में देने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे इजाजत दो तो इन फूलों को इस घर के किसी कोने में रख दो। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं खुशी से फूला हुआ इन फूलों को लेकर जब यहाँ आया तो वहां लोगों ने मुझे देखा। पता, राधा, मैं किस मुंह से इन फूलों को वापस ले जाऊं? वो लोग हंसेंगे, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाएंगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। राधा, अंत में मैं तुमसे छोटी सी भेंट चाहता हूं, सुनकर शायद तुम भी हंसोगी कि बुद्धू सुंदर ने मांगा भी तो क्या मांगा। है तो वो मामूली सी चीज, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं और कुछ नहीं राधा, ये रद्दी की टोकरी चाहता हूं। जानती हो क्यों? शायद वो फूल तुम्हारी नजरों में मेरी भूल की निशानी है, लेकिन मेरे लिए मेरे पहले और आखिरी प्रेम की पूजा के फूल। मेरे जाने के बाद उन फूलों को इस टोकरी में ना फेंक दो, इसीलिए राधा मैं ऐसे ले जा रहा हूं। सुंदर, तुम्हारी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। राधा, तुम्हारे दिल को जरा भी ठेस पहुंचाने का मतलब है अपने हाथों खुदकुशी करना। मैं तुम्हारे दिल को न समझ सका, इसमें तुम्हारी भूल नहीं मेरी भूल है। सुंदर, इस भूल की वजह मैं हूँ। भगवान के लिए तुम इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या कह रहा था? मैं तुम्हें भूल जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैंने एक इरादा और कर लिया है, बड़ा खौफनाक इरादा, मर जाने। नहीं नहीं सुंदर, ऐसा न कहो। मरूंगा, जरूर मरूंगा, आज अभी इसी वक्त नहीं 40 साल बाद। हंसी आ गई ना? मैंने अपनी मजाकिया बातों से सुखी दुखी हर इंसान को हंसाया, और आज मैं खुद दुखी हूं, इसलिए खुद को हंसाने के लिए मजाक कर रहा हूं। सुंदर, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसी वक्त मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारे दोस्त अमर ने मुझे ये कहने से रोका। मैं चाहती थी कि जब तक तुम तरक्की की मंजिल तक न पहुंचो तब तक ये सच्चाई तुमसे छिपी रहे। राधा, अमर ने बिल्कुल ठीक कहा था। सचमुच उस वक्त इस सच्चाई से मेरे दिल की धड़कनें रुक सकती थी, क्योंकि तब तक मेरा मन पक्का नहीं हुआ था। सुंदर, एक बात और बताओ, सुनकर शायद तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। मेरी शादी तुम्हारे दोस्त अमर के साथ होने वाली है। अमर के साथ? कांग्रेचुलेशन राधा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे, अब तो मैं अपने हार पर भी हंसूंगा, क्योंकि मैं अमर से हारा हूँ, अपने जिगरी दोस्त से हारा हूँ। अमर विनर और सुंदर रनर। मुझे जल्द अमर को बधाई देनी है। जानती हो क्यों? बताता हूँ। हम किस गाड़ी में आए? स्पोर्ट्स कार में आए हैं। इम्पाला कहाँ? भाजी लेने बाजार गई है सर। तुम जाके गाड़ी स्टार्ट। यस सर। मर्सिडीज़ पे कौन है? मैं हूँ सर। हम नेक्स्ट वीक में कश्मीर आउटडोर पे जा रहे हैं। जी साहब, टिकट आ गए, और आपकी हर सहूलियत का ख्याल रखने के लिए 4 आदमी कल ही भेज दिए गए हैं। और कौन कौन जा रहा है हमारे साथ? 12 आदमी जा रहे हैं। काम किसका है? सिर्फ आपका। बाकी के लोगों का खर्चा कौन देगा? प्रोड्यूसर। ठीक है, तुम जाके गाड़ी के पीछे खड़े रहो। ओके सर। दाताराम, तुम सब हमारा बाहर इंतजार करो। चुटकी बजाते ही ड्राइवर चला आया, ताली बजाते ही सेक्रेटरी, न जाने कितनी मोटर, कितने कार, कितने लोग बाहर खड़े। राधा, मैं ये सब तुम्हें अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ
कि तुम्हारे ही होटल का एक मामूली वेटर सुंदर, टू बी फ्रैंक विथ यू आई लाइक योर इनोसेंस, तुम्हारे इस जुमले को न समझने वाला वो बुद्धू सुंदर आज अंग्रेजी के एक शब्द के लिए कितने शब्द जानता है। Everlasting, undying, unfailing, unlimited, unbounded. एक शब्द और भी सीखा है मैंने, unwanted. लेकिन राधा, मैं ये सब अपनी लियाकत दिखाने के लिए तुम्हें नहीं कह रहा। ये रुतबा, ये शान और शौकत, ये सब मुझे किसकी बदौलत मिला है? सुंदर के नाम को आज चार चांद किसने लगाए? अरे एक ही तो है वो, मेरा जिगरी दोस्त अमर। अमर ने उस अनमोल हीरे को पाया है राधा, जिसे मैं ना पा सका। इस बात की खुशी मुझसे ज्यादा और किसे हो सकती है राधा, किसे हो सकती है? ये कह रहा था, तुम रो रही हो। मैं किसी का रोना नहीं देख सकता। देखो राधा, जब मैं इतना खुश हूं तो तुम क्यों दुखी होती हो? हंसो। देखो तुम नहीं हंसोगे तो मैं धरना देकर बैठ जाऊंगा। हंसो। देखो राधा, अगर तुम नहीं हंसोगी तो तुम्हारी ही होटल से ये सब मंगा के तुम्हें खिला दूंगा। ए रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, बूंदी, खारा बूंदी, मीठा बूंदी, काना वाला, बटाड़ा वाला, सादा डोसा, मसाला डोसा, सांभर, इडली, बोंडा, टी। राधा, भगवान तुम्हें हमेशा इसी तरह हंसाता रहे। माँ, मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। बैठ इधर। क्या है माँ? क्यों रे, तू उस दिन किसी लड़की के बारे में कह रहा था ना, कौन है वो? इस घर की बहू बनने लायक है ना, बता कब करनी है शादी? वो तो एक कहानी थी माँ। कहानी? हाँ माँ, जो बात बन नहीं पाती वो कहानी तो है। बातें ना बना, आज मैं सचमुच पूछ रही हूँ, कब करेगा शादी? शादी मेरी? लेकिन मैं शादी क्यों? क्यों उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है? बहू घर की शोभा होती है बेटे, ज्योति होती है। मेरी माँ से बढ़कर कौन सी ज्योति हो सकती है? मैंने क्या किया है तेरे? क्या नहीं किया है माँ, भगवान का तो बस नाम ही सुना। भगवान अगर सुख देता है तो दुख भी देता है, और माँ माँ अपनी औलाद पर सिर्फ सुख की बरखा करती है, उसके दुख दूर करने के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देती। नहीं नहीं, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। सर, जूस। माँ, अपने हाथों से मुझे जूस पिलाओ, पिलाओ ना। क्यों रे, ऐसा क्या देख रहा है माँ की सूरत में टकटकी लगाकर? मालूम नहीं माँ, आज मेरा जी चाह रहा है तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। भैया, शूटिंग के लिए देर हो रही है। दादा, आज मन अच्छा नहीं, शूटिंग कैंसिल करा दो। नहीं बेटे नहीं, उन्होंने सब तैयारी कर ली होगी, आयन वक्त पे मना करने से प्रोड्यूसर का हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो ही तो हमेशा कहा करता है। अच्छा माँ। माँ, क्या है बेटे? कुछ नहीं माँ। परसों पिक्चर सेंसर को दिखानी है, रिलीज की तारीख तय हो गई और अभी भी सबका काम चल रहा है। नो सर, आज जरूर हो जाएगा, ये आखिरी हाथ मार रहा है जी। शूटिंग शुरू होने पर मुझे सेट पर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, किसी को अंदर मत आने देना। नो सर, मैं खुद जाके बाहर खड़ा हो जाऊंगा, किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। चलो जाओ। अरे अच्छा हुआ शीशा नहीं टूटा। एक बेटा राक्षस बनकर अपने
अपनी माँ पर बंदूक उठाने खड़ा है, बात क्या है माँ? माँ से क्या पूछता है? मुझसे पूछ। अगर माँ सीधी तरह इस दस्तावेज में दस्तखत नहीं करेगी तो उसे जान से मार डालूंगा। भैया लालच है तुम पर, तुम अपने प्यार के लिए अपनी माँ की हत्या करना चाहते हो। माँ कर दो दस्तखत। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं हरगिज दस्तखत नहीं करूंगी। नहीं करूंगी भैया। वेरी गुड। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं सुंदर साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सुंदर साहब की माँ सीढ़ियों से गिर गई है। जी जी हाँ, अभी तक बेहोश है। जरा फौरन आई। समझ में नहीं आता क्या हो गया। आज मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? डायलॉग याद नहीं हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं मिस्टर सुंदर, इस डायलॉग को हम दो शॉट में ले लें। ना 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 ना, आप एक ही शॉट में लीजिए। आई विल डू इट। दत्ताराम जी अंदर क्लाइमेक्स की शूटिंग हो रही है लेकिन वहाँ सुंदर साहब की माँ की जिंदगी का सवाल है। देखिए मैं आपको कैसे बताऊं, आपके अंदर जाने से हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा लेकिन वहाँ जिंदगी का खतरा है। ओफो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दत्ताराम जी जो सुंदर जी करेंगे उससे ज्यादा हम करेंगे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाएंगे। आइए मेरे साथ प्लीज आइए। एक सेवन, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जैसी ये तेरी माँ है वैसी मेरी भी माँ है लेकिन इस दस्तावेज पर मुझे इसके दस्तखत चाहिए और इसी वक्त चाहिए। भैया ऐसा लगता है कि तुमने माँ के दिल की कहानी नहीं सुनी। एक संदिल बेटा था जो तुम्हारी तरह किसी लड़की के प्रेम में अंधा था। उस लड़की ने उससे कहा अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करता है तो अपनी माँ का दिल निकालकर मुझे ला दे। और उस बेवकूफ बेटे ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को मार दिया और उसका दिल निकालकर अपनी महबूबा के पास जा रहा था कि रास्ते में उसे ठोकर लगी, वो गिर पड़ा। तो फौरन माँ के दिल ने उससे पूछा मेरे बेटे मेरे लाल तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? जरा देख कर चल बेटे। देखा भैया ऐसा होता है माँ का दिल। और तुम इस ममता भरी माँ की मूर्ति को मारना चाहते हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भैया, भीख मांगता हूं तुमसे, फेंक दो ये रिवॉल्वर, फेंक दो। डॉक्टर साहब कैसे है माँ की तबीयत? सुंदर अरे भाईजान ब्यूटीफुल। अच्छा हाँ मेरे साहब मेरा कोई शॉट तो नहीं? नहीं नहीं ये फिल्म का आखिरी शॉट था। अच्छा रमेश। अच्छा माता जी को मेरा नमस्ते बोलना। डेफिनेट। ओके अच्छा दीदी। अच्छा भाई ओके ओके। माँ जी वो अभी आ जाएंगे। ओ, नहीं आएगा। मरने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ। सुंदर वो स्टूडियो से निकल चुके हैं, बस अभी आते ही होंगे। आपकी बदौलत मेरी पिक्चर कोई नहीं मुझे भी अवार्ड मिले। मेहता साहब मैंने एक्टिंग नहीं की, मैंने तो माँ के लिए जो मेरी भावना है उसे जाहिर किया है। कितना चाहता हूं मैं अपनी माँ को। सुंदर साहब। अरे मदन तुम कहां थे, सेट पर नहीं आए? आपकी माँ सीढ़ियों से गिर गई है। बड़ी नाजुक हालत। मैंने क्यों नहीं बताया? माफ करना आप। सुंदर Thank you.
माँ, माँ, अपने बेटे को अनाथ बनाकर चली गई, माँ, बेटे, देख, तू हमेशा मेरी मुट्ठी में है, मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, जैसे अंधा अपनी लाठी पास रखता है, उसी तरह माँ भी अपने संतान को हमेशा अपने पास रखना चाहती है। मैं अपने बेटे की गोद में दम तोड़ूं, यही मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरी अंतिम घड़ी में मुझसे दूर न होना बेटे, दूर न होना। हाँ, हाँ माँ, मैं तुझसे दूर रहा, जो जिंदगी मैंने बताई है नकली है, ये मुझे अब पता चला। इस सच्चाई को जानने के लिए मैंने तुझे खो दिया माँ, तुझे खो दिया। उठो सुंदर, उठो, उठो। सुंदर, मौत पर किसी का बस नहीं। मां का अंतिम संस्कार करो। चलो। शादी मुबारक हो अमर। थैंक यू पिताजी। ये है विल्सन कंपनी के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। आइए ना। आइए आइए। शादी मुबारक हो अमर। सुंदर, ये क्या पोशाक पहन रखी है? क्यों, यही तो सच्ची है। अब तक जो पहनता था वो नकली थी। उसी नकली पोशाक ने मुझे मेरी मां से जुदा कर दिया, इसलिए अमर मैंने उस काम से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी ले ली। लेकिन सुंदर, तुम हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार हो, जनता की दौलत हो। एक सुंदर जाएगा तो दूसरा सुंदर आएगा। इस दुनिया में हंसने हंसाने वालों की कमी नहीं अमर, तो फिर मेरी क्या हस्ती। लेकिन सुंदर, तुम करोगे क्या? राधा, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। मैं जरूर मिलूंगा अपनी माँ से। सुंदर, घबराइए नहीं बाबूजी, उस दुनिया में नहीं, इसी दुनिया में मैं अपनी मां से मिलूंगा, वो देखिए। अमर, इन मासूम बच्चों की सूरत में मैं अपनी मां की सूरत देखता हूं, इनके पवित्र प्रेम में मेरी मां का प्यार है। मैं अपनी जिंदगी इन अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दूंगा। लेकिन एक बात है मेरे यार, सुंदर जहां भी रहेगा किसी न किसी को हंसाता रहेगा। ये लो राधा, ये तोहफा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि सारे देश की तरफ से है। हम दो हमारे दो। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने सब बच्चों को ले जाकर आइसक्रीम खिलाऊं।